Assalamualaikum, good morning पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, इंतज़ार में हैं भाई, बारिश के आसार हैं। सुनने में आया है कि तूफ़ानी बारिश होगी, तो इसलिए खुदा के वास्ते वो जो पिकनिक और ये सारी प्लानिंग है वो ज़रा इस वीकेंड मत रखिएगा। सुनने में तो आया है धुआंधार बारिश होगी, लेकिन एक्चुअली पता नहीं कि क्या होगा। शुक्र है नालों की सफाई वफाई भी मैं देखती हुई, मतलब आ रही थी, मैं तो देख रही थी सफाइयाँ थोड़ी बहुत हो रही हैं। अब दोबारा से कराची उस तरह ना डूबे जैसे वो पिछली बारिश में डूबा था, जो भी पिछले दिनों हुई थी। हाँ जी, तो आज मैं क्या आपके सामने लेकर आई हूँ ये मैं आपको बताती चलूँ। वैसे सच्ची बात ये है ना, कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं, हम सुनते आ रहे जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अब जोड़े आसमानों पे तो बनते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन पे जो जोड़े बन रहे होते हैं वो या तो होता है कि अम्मा अब्बा चिराग लेके बहू ढूंढें अपने लिए, या अपनी बेटी के लिए अपना दामाद ढूंढें, अपनी बेटी का शौहर ढूंढें, या दूसरा ऑप्शन ये होता है अरेंज मैरिज के अलावा कि आप खुद ही ढूंढ लें। अब जब अम्मा अब्बा, या अब्बा को तो छोड़ दें, अम्मा ही ज़्यादातर ढूंढती हैं, या भाभी या बहन, ठीक है ना। अब कोई आपकी घर की जो खातून है वो अगर आपकी अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए ढूंढने निकलती हैं कोई जोड़ीदार, तो वो हर चीज़ देखती हैं। वो क्या क्या देखती हैं? ज़ात, बरादरी, कमाई, सूरत, सीरत, रहन सहन, फैमिली मेम्बर्स, बड़ा ज़रूरी है भाई, ज़्यादा नंदे हो उस घर में ना देना। ये देखिए, मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं जो जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और एक मैच क्रिएट किया जाता है। क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है तो अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ का दिमाग में बंदा सोचता है, लेकिन कुछ लोग बड़े तमीज़दार होते हैं इस मामले में, उनको नहीं अच्छा लगता घर घर जाके लड़की तलाश करना। वो कहते हैं जब पहली लड़की के पास ही गए उसकी मालूमात कर लें, और पहली लड़की अगर अच्छी लगी है तो उसी को डन कर दें। उनको ये लालच नहीं होती कि इधर भी जाएं उधर भी जाएं इधर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ नाश्ता किया तो वहाँ खाना खाया, तो हर जगह उन्होंने लड़की छान के चुननी है। कोई अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, लेकिन अगर लव मैरिज होती ना, आई एम सॉरी टू से, जब प्यार की पट्टी बनती है तो कहते गधे पे भी दिल आ सकता है। अल्लाह माफ़ करे, उसमें कोई बुराई नज़र ही नहीं आती। जब आपको मोहब्बत होती है ना, फिर आप नहीं देखते ज़ात पात रंग नस्ल और मतलब जोड़। बहुत सारी मैंने यंग लड़कियों को देखा है, उनका जी अंकल पे दिल आ गया, मतलब अपने जो 20 साल बड़े बॉस पे दिल आ गया है, और उन्होंने शादी कर ली उनसे। बाद में जाके जो होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मोहब्बत की शादी होती है, जो मोहब्बत का जोड़ होता है, वो ये चीज़ें नहीं देखता। उसको तो बस मोहब्बत हो जाती है, राह चलते ही कोई मिल जाता है और एकदम घंटी बजती है दिल में और हो जाती है। या तो या स्कूल में मिल जाता है कोई बचपन का प्यार, बचपन की मोहब्बत, दोनों को, लड़के लड़की दोनों को, और या फिर आगे जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल जाता है, या फिर जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ मिल जाता है, या फिर जो पड़ोसी होता है, मतलब लाइक पड़ोस पड़ोस में साथ पले बड़े होते, खेला कूदा होता है, वो मिल जाता है। रॉन्ग नंबर्स पे, पुराने ज़माने में रॉन्ग नंबर्स, वो डायल वाले फ़ोन नहीं होते थे जो, उन पे रॉन्ग नंबर्स पे शादियां हो जाया करती थी। और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से आपके इंस्टा टिकटॉक और क्या क्या फेसबुक, इन सब से शादियां हो रही हैं लोगों। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी फेसबुक के थ्रू शादी हुई है, ऐसी दोस्ती हुई और आपस में बातचीत हुई। तो ठीक है, इसमें कोई आर नहीं है, लेकिन मैं बस बच्चियों से ये कहती हूँ ख़ास तौर पर, थोड़ी समझदार हो जाए इस मामले में, खासतौर पर जब लव मैरिज कर रही हैं। क्योंकि जज्बाती फैसले जो हैं, और लड़के तो बहुत ही जज्बाती होते हैं ना, जज्बात में छोटी छोटी उम्रों में शादी कर लेते हैं, कुछ बने नहीं होते, और उसके बाद फिर उनको होता है ये तो मेरी गलती हो गई, मुझे तो इससे बेहतर लड़की मिल सकती थी। मेरी अम्मी एक तो छोटी सी उम्र में मेरे भाई की शादी के चक्कर में पड़ गई कि मैं इसकी मंगनी करूँ, और मंगनी करूँ तो मैं जो हूँ फिर मैं अपने सामने देख लूँ, मैं मर जाऊँगी, मैं ये माएँ सारी यही सोच रही थी। मैंने कहा उसे कुछ बनने तो दें, उठा के कभी कहीं मंगनी कर देती थी कभी कहीं। मैंने कहा जब वो कुछ बन जाएगा और वो एक सही एज पे आएगा तो वो कहेगा ओ ओ ये जो मेरा पार्टनर है ये तो मेरे बराबर का पार्टनर नहीं है। तो मैं अम्मी को ये समझाती थी, लेकिन अम्मियाँ को अम्मियाँ समझती कहाँ हैं, अम्मियाँ नहीं समझती। क्योंकि ख़ास तौर पर लड़के ज़रा देर में मैच्योर होते हैं, वो जब मैच्योर होते हैं तो उनको उनका लाइफ पार्टनर फिर उनके हिसाब से चाहिए होता है। लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं,
तो इसीलिए पेरेंट्स को बड़ा सोच समझ के जो है ना वो फैसले उठाने चाहिए, करने चाहिए. और लड़का लड़की जो लव मैरिज कर रहे हैं उनको भी बड़ा सोचना चाहिए. अब वो वाली बात नहीं रही पहली मोहब्बत, और मोहब्बत अंधी अंधी होती है तो हकीकत है, लेकिन आंखें तब खुलती है जब आटे दाल का भाव मालूम होता है. हो सकता है जब मैं भी टीनेज में होंगी तो हो सकता है मैं भी ये सोचती होंगी जो आप टीनेजर्स सोच रहे हैं मोहब्बत के बारे में. लेकिन अब मोहब्बत घिसी पिटी हो गई है, सच्ची बात है. अब इस घिसी पिटी मोहब्बत जो है इसके पीछे जाकर अपना लाइफ पार्टनर चुनने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करें. हाँ, मोहब्बत हो, रिस्पेक्ट, मोहब्बत से भी पहले मैं समझती हूँ रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, फिर मोहब्बत होनी चाहिए, फिर ज़रा सेटल होना चाहिए. मतलब लड़की भी कुछ सेटल हो, लड़का भी कुछ सेटल हो, और फिर मज़े. मैं नहीं कहती पैसे वाले से शादी हो, मैं कहती हूँ ऐसे से हो शादी जो खुददार हो, जो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, जो किसी का सहारा अपने भाई अब्बा या उनके सहारे के मतलब के साथ ज़िंदगी ना गुजार रहा हो, या बीवी के सहारे के साथ ज़िंदगी ना गुजार रहा हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो चाहे कम कमाए मगर खुददार, है ना. ये सबसे ज़रूरी चीज़ है. और रिस्पेक्ट का एलिमेंट इसलिए ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट होती है ना तो आप प्यार फलाना धमाका घिसी पिटी मोहब्बत ये सब पीछे रह जाते हैं. बाकी सब चीज़ जो आगे रहती है वो होती है रिस्पेक्ट एंड केयर. तो ये मैं घिसी पिटी क्यों कर रही हूँ, ये घिसी पिटी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे ARY डिजिटल पर एक ड्रामा शुरू होने वाला है जिसका नाम है घिसी पिटी मोहब्बत. मैं आपको उसका, अगर आप देखेंगे इसमें रमशा जो है इसने 4 अलग अलग जोड़े पहने हुए. आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, शायद एक मंगनी का जोड़ा हो, शायद एक मेहंदी का हो, शायद एक माइयों का हो, शायद एक वलीमे का हो शादी का, मुझे नहीं पता, शायद पहली का हो दूसरी का हो शादी, आई डोंट नो. पहली मोहब्बत दूसरी मोहब्बत, क्या है इस ड्रामे की कहानी, क्या होने वाला है इस ड्रामे में. बड़ा ये रोमांटिक सा ना लग रहा है कोई ड्रामा, जो उसके मैंने प्रोमोज देखे, ये पर्दे हटाती भी रमशा इधर से उधर भाग रही है और मैं अट्रैक्ट हुई हूँ इस प्रोमो से. सीरियसली मुझे लव स्टोरीज देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है. तो ये मुझे कुछ लव स्टोरी लग रही है. क्या लव स्टोरी है ये, क्या है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो. आज मैं अपने शो पे घिसी पिटी मोहब्बत की कास्ट को बुलाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पूछ के कुरेदने वाली हूँ कि क्या है इस ड्रामे की स्टोरी जो आप देख सकेंगे थर्सडे की रात, यानी 6 अगस्त, आज है ना 6 अगस्त, आज की रात 8 बजे ARY डिजिटल पर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा आप देखेंगे. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ, लेकिन जाने से पहले सुन लीजिए, सिर्फ 5 रुपए की मदद से 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान आप खरीद सकते हैं और शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में. वैसे तो जो हम हर फ्राइडे करते हैं, कल हम नहीं कर रहे ना, या कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हम, ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते फ्राइडे को करेंगे. तो आप अपना मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीदना ना भूलिए क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतने का मौका मिलता है. तो मौके को हाथ से जाने ना दीजिए और एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे पास वापस आइए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सुबह सुबह आपको हम उन सेलिब्रिटीज से मिला रहे जिनको आप रात 8 बजे देखेंगे आज पहले एपिसोड में उस सीरियल में जिसका नाम है कैसा है नसीबा. तो जनाब ये जो कैसा है नसीबा है इसमें जो आपको पोस्टर के ऊपर 4 अलग अलग रूप में एक खूबसूरत हसीना नजर आ रही है, ये कोई और नहीं, ये वो लड़की है जिसको आपने देखा कैसा है नसीबा में. ठीक है, ये तो घिसी पिटी मोहब्बत है, मैं कैसा है नसीबा बोल रही हूँ. इश्किया में, खुद परस्त में और वो एक पल में. और अब आप इस खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को देखेंगे. अब आई डोंट नो कि इसका जो कैरेक्टर है वो बचकाना है या बड़ा मचौर वाला है, वो तो जब ये आएगी तो बताएगी. अब आप देखेंगे आज से घिसी पिटी मोहब्बत में रात 8 बजे ARY डिजिटल पे. तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड और बहुत ही प्यारी मासूम सी शक्ल वाली, वो कौन से वाले नैनो वाली, पता नहीं कौन से वाले नैनो वाली, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, शायराना बातें नहीं कर पा रही मैं सुबह सुबह. आइए वेलकम करते हैं रमशा खान. जी
नीचे को आ जाओ उधर. हम वैसे नहीं मिल सकते जैसे हम कैसा है नसीला में मिले थे, जैसे हम बाकी दूसरी प्रमोशंस पे मिले थे. हम अब सिर्फ ऐसे ही मिल सकते हैं. और क्या हाल है? ठीक ठाक. आप बहुत अच्छी लग रही हैं आप. थैंक यू. दिन ब दिन लंबी होती जा रही हो. तो तुम्हारी अभी भी वो उम्र है जिसमें हाइट बढ़ सके? नहीं, आई डोंट नो. जब तुमसे मिलती हूँ मुझे तुम ज्यादा लंबी लगती हो. मैं हील्स मैंने पहने हुए. हील्स मैं बहुत कम पहने. तुम खुद से पहन के आई हो हमेशा ज्यादा? जी बहुत कम. मैं वही कह रही हूँ तो उसका तो कद लंबा. आज मैंने सोचा कि आपकी ईद के शो पे मैं नहीं आ सकी. हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं प्रॉपरली ड्रेस अप हो जाऊँ. और तुम्हारा आज सीरियल शुरू हो रहा है, जब इतनी मेहनत की होती किसी सीरियल के लिए और वो जब उसका पहला दिन होता है एक्साइटमेंट होती है बहुत. इस सीरियल के तो स्पेशली मुझे बहुत एक अजीब सी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट भी है. और इतना प्यारा उसका प्रोमो बना हुआ है. थैंक. तुम अच्छी भी बहुत लग रही हो. जब रमशा ने जो है पहले पहले ड्रामा शुरू किया होगा तो उसको तो शायद ना मेकअप और बाकी चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी. अब तो मैंने अपना मेकअप और अपने बाल खुद मैंने बनाए हैं. अभी भी? जी जी. जबरदस्त. सीखना चाहिए ना. मतलब ये खुद सीख गई तुम? मेरी बहन ने मुझे हेल्प किया. मेरी बहन बहुत उसमें है. आप मिली हैं? हाँ हाँ, मैं शो पे भी आई थी. जी जी. तो उसने मुझे हेल्प किया लेकिन मैं अब सीख रही हूँ पार्टी मेकअप करना. क्योंकि पता है जरूरत है ना. आप जितना अच्छे अपने नकूश को जानते हो कि मैंने आंखें कैसी. तुम्हारी क्या कहते हैं, कैसी आंखें हैं? क्या कहते हैं, शरबती आंखें? शरबती क्या, मुझे नहीं पता. बादामी आंखें क्या कहते हैं? कोई अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो. मेरी आंखें मुझे वो नहीं पता. बस ये पता है कि ज्यादा ग्लिटर लगा दो तो फिर चाइनीज हो जाती है. और अगर हल्का सा ब्राउन करो तो बहुत बड़ी हो जाती है. अच्छा जी. मेरा फेस डिफिकल्ट है जो मुझे लगता है. ज्यादा मेकअप मेरे फेस पे सूट नहीं करता. अच्छा जी. तो तुम इसलिए बहुत, मैंने तुम्हारी वो देख रही ट्यूटोरियल, एक तुम बड़ी खूबसूरत सा मेकअप कर रही थी वो वाली हेलो फ्लॉलेस वाली बेस. जी मैं भी वही इस्तेमाल करती हूँ आम पार्टी मेकअप. बड़ी अच्छी है. बहुत अच्छी है. बहुत वो लगा रही थी तुम. और तुमने बहुत सॉफ्ट सा आई मेकअप किया. मैंने इश्क का ट्यूटोरियल किया था एक्चुअली. मैंने वो ब्लश से अपने पिंक लगाया था पूरा. और बेनेटिंट इस्तेमाल की थी या क्या? नहीं नहीं, स्टेनर लिप्स पे क्या लगाया था? वो एक्चुअली मिनीसो का है. आई डोंट थिंक. अब मैं जरा ढूंढ के वो निकाले जरा रमशा का. रमशा तुम मुझे ब्रेक के दौरान बताना, मैं ढूंढ के दिखाऊंगी ट्यूटोरियल. इतना जबरदस्त है, आपको बड़ा सीखने का मौका मिलेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. ट्यूटोरियल्स करती रहती हो इस तरह? मैंने एक दो दफा किया, फिर उसके बाद मैंने कहा अब इतनी प्रैक्टिस है नहीं, अब और क्या लुक बनाऊं मैं. अब कल रात को मैंने ये सोचा कि मैं इस किस्म का बनाऊंगी. तो अभी देखें, दिल तो चाहता है कभी कभी स्किन केयर वाला ट्यूटोरियल बनाऊंगी मैं, है ना. बहुत तुम्हारी स्किन अच्छी है तो लोग सीखना चाहते हैं कि भी क्या लगाती है रमशा स्किन पे कि वो ग्लो करती. पानी ज्यादा? पानी और सोने से पहले बस मैं क्रीम लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइजर. मैं तो यही कर रही हूँ. नहीं नहीं, पानी से बहुत फर्क पड़ता है, नो डाउट. लाइक मैं भी जब पानी ज्यादा पीती हूँ तो स्किन पे आ रहा होता है. लेकिन पता है कोरोना की वजह से जो आप विटामिन से ये सब, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है. मैंने तो बहुत खाया. अच्छा तुम समझदार हो कि तुमने इस ग्रीन कलर के साथ तुमने जो शेड्स दिए हैं आंखों पे वो बहुत ही प्यारे से पीची शेड है. वरना हमारी जो आम लड़कियां हैं जो उनपे कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आता है, जरूरी थोड़ी ग्रीन कपड़े पहने तो ग्रीन आई शेडो लगा ले. मैं सोच मतलब रही थी वैसे. शुक्र है नहीं रहा. मेरी बहन ने कहा नहीं गोल्ड टाइप का कुछ रखो. हाँ बिकॉज ये इयररिंग्स के साथ मैच करे. मुझे नहीं पता, मेरी बहन ही मुझे एक लड़की बनना सिखाती है. देखो ना, तो मैं गलती करने वाली थी ना. लड़कियां करती हैं. और हरा मेकअप पता नहीं किसके साथ आप ब्राउन के साथ ब्लेंड करें तो अच्छा लगेगा. हरा मेकअप डिफिकल्ट है. मेकअप आर्टिस्ट करे ना तो खुद करना बड़ा मुश्किल. एक्सपेरिमेंट हो सकता है. एक्सपेरिमेंट है पर एक्सपेरिमेंट करके लाइव शो पे आ जाए कुछ. प्लीज बैठो, प्लीज बैठो. थैंक यू. मैंने कहा मेकअप की बातें पहले कर लूं वरना जो हीरो है उनको बुलाऊंगी ना तो कहेंगे ये क्या आप जनाना बातें करी हैं सुबह सुबह में, क्या करूँ क्या. कोई बात नहीं, मैं उनके सामने भी कर लूंगी. तो जी जिनको मैं अभी बुला रही हूँ ये बड़े प्रोफेशनल एक्टर हैं और बड़े सारे ड्रामों में आपको एक साथ नजर आ रहे हैं. उसकी रीजन ये तंग नहीं करते होंगे, तमीज़दार होंगे, टाइम पर आ जाते होंगे. ये इस ड्रामे में किसी बेटी मोहब्बत में क्या कैरेक्टर है इनका? क्या इस हीरो को हीरोइन से मोहब्बत होती है या हीरोइन को हीरो से मोहब्बत होती है? कौन किसके पीछे जाता है? किसकी है ये घिसी पिटी मोहब्बत? ये सब जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आइए वेलकम करते हैं अब जिस हीरो को मैं बुला रही हूँ. भाई घिसी पिटी मोहब्बत के पोस्टर पे तो सिर्फ चार लड़कियाँ नजर आ रही हैं और वो एक ही है अलग अलग अटायर में. लेकिन ड्रामे में, क्या ड्रामे में चार लड़के हैं कि एक ही लड़का है? चार.
सोच लो कि वो सारे लड़के हैं. मैं लड़कों का पूछ, लड़का से फेक है, आदमी नहीं कहा मैंने, लड़का से फेक है. तो वो सिर्फ एक लड़का जो इस ड्रामे में है उसको मैं बुलाने जा रही हूँ. आइए वेलकम करते हैं बहाज अली, जिनको आप घिसी पिटी मोहब्बत में देखेंगे आज रात. लेकिन उससे पहले आप देख चुके हैं हरी हरी चूड़ियां, दिल नवाज, माए तमाम, बिखरे मोती और अहदे वफा में. आइए वेलकम करते हैं बहाज अली. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सही कहा ना मैंने, एक ही लड़का है बैठे. ये आप क्या, ये जो आप ड्रामे करते हैं उसमें आप एक ही लड़के क्यों होते हैं, बाकी आदमी क्यों होते हैं? ये तो ड्रामे बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए. स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आप, लड़का एक होना चाहिए. लड़का एक ही होना चाहिए. कैसे है? मतलब आपने प्रमोशंस पे आना है ना, सिर्फ वैसे नहीं आ सकते. हमने मैंने इतके शौक लिए फोन के, कह रहे हैं लाहौर में हूँ. अच्छा, लाहौर में हूँ. अब आगे लाहौर से, बिल्कुल आगे लाहौर से. घिसी पिटी मोहब्बत की खातिर नाम ऐसा ना, लेकिन हम बताने आए कि ये कहानी घिसी पिटी नहीं है. नहीं है, एग्जैक्ट नाम बड़ा कैची है. कि जब मैंने प्रोमो देखा था और मतलब लाइक वो जो जिस तरह का था, तो मैंने कहा यार ये ड्रामा मैं फॉलो करूँगी. कुछ कुछ ड्रामों के प्रोमो होते हैं जो आपको एकदम क्लिक करते हैं ना, है ना. आप लोगों को क्या फीडबैक मिली थी प्रोमो से? असल में रमशा के साथ जब भी मैंने काम किया है, पहले रमशा के साथ काम जी, माहे तमाम, तो हमारे माहे तमाम में हम हाँ. साथ थे, तो हमें फीडबैक अच्छा मिला था तब भी बहुत अच्छा. मतलब इसका मतलब क्रेडिट गोज़ टू रमशा एंड यू. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी ये प्रोमोज नहीं आए थे तो एक हमारे फैंस काफी इंजॉय कर रहे थे कि हम लोग दोबारा से साथ काम करने वाले हैं. लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इसमें जो किरदार हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. रमशा ने भी शायद ऐसा नहीं किया पहले और मैंने भी ऐसा नहीं किया पहले, तो वो एक जो कॉम्बो बना वो अच्छा लग रहा है सबको अभी तक. तो अल्लाह करे कि आगे भी यही. क्या वन लाइन क्या है, अगर मैं वन लाइन पूछूं जो आप बता सकते, जो डायरेक्टर ने आपको इजाजत दी हुई है, जो डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, अहमद भट्टी जो कैसा है नसीबा के भी डायरेक्टर, वो टीम चली आ रही है ना जी. प्रोडक्शन हाउस भी सेम, कैसा आई ड्रीम, जी आई ड्रीम. अच्छा, आई ड्रीम कैसा है नसीबा वाला, डायरेक्टर कैसा है नसीबा वाला, और रमशा कैसा है नसीबा वाला. राइटर फसी बारी है जी, फसी माशाल्लाह मेरा नसीब फेवरेट क्या मेरा नसीब बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं नहीं हूँ. कैसे आपके राइटर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पैकेज है, बिल्कुल जुमले बहुत अच्छे होते हैं. वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ साइनिंग दिस प्रोजेक्ट इज फसी बारी साहब, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने. हाँ, ऐसे मजे के जुमले होते हैं उनके जो आप आम जिंदगी में आप बोलते हो. बिल्कुल. और वो ही जब घिसी पिटी मोहब्बत मैंने सुना ना ड्रामे का टाइटल, तो मुझे लगा कि यार ये तो मजेदार है. मतलब चीज़, वरना ड्रामों के नाम इस तरह के नहीं हो रहे होते ना. नहीं होते, बहुत डिफरेंट. इवन हम भी थोड़ा से वो हो गए थे कि यार नहीं, मुझे तो अच्छा लगा था किसी भी मोहब्बत, क्योंकि हमने मोहब्बत को तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वन लाइन है, क्या होगा रमशा, तुम चार दफा तैयार हुई हो शादी की, तुम्हारी बस यही वन लाइनर है. इसमें लिखा हुआ था रमशा खान चार दफा तैयार होंगी. अच्छा, हम गेस करते हैं चलो पोस्टर से. चलो तुम लोग रियल, तुम लोगों ने नहीं बताना है कि क्या है, हम कोई रियल नहीं बता रहे. कि अगर आपने देखना है तो आज रात 8 बजे देखिए ARY डिजिटल पे, सिर्फ ARY डिजिटल. सिर्फ फिर ना कहना खबर ना. अच्छा, मुझे पोस्टर को देख के लग रहा है कि इस ड्रामे में कोई कोरोना का ख्याल, क्योंकि इसमें इन्होंने मंगनी भी की है, तकरीब मेहंदी भी हुई है, शादी भी हुई है, वलीमा भी हुआ है, और बार बार हुआ है, और बार बार हुआ है, मतलब और चार दफा पार्लर गई है तैयार होने. हेल्प क्यों कर रहे हो इनकी? नहीं, मैं तो उनके साथ हूँ. नहीं भाई, उनको गेस करने दो. अच्छा खासा वो अलग डायमेंशन में जा रही थी. और बेचारे दुल्हा की एक तस्वीर भी नहीं लगाई, वो रुमाल पे जो आपकी तस्वीर थी जो आपने खिंचवाई थी, रुमाल लगा के बैठे थे सहरा पहन. मैं इस टाइम सैनिटाइज कर रहा था खुद को, इधर हालात देख के कहाँ खड़ा होता, जगह नहीं थी. तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि ये माहौल देख के मैं उसको सैनिटाइज कर लूँ. तो मैं आई एम सॉरी वो कर रहा था. दुल्हा ने कहा मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा, जो अगला वाला पोस्टर है वो दिखाएगा जरा. दुल्हा ने कहा मैं चेक की शर्ट पहनूंगा, मुझे गर्मी लगती है शेरवानी में. तो दुल्हन तो तैयार होकर खड़ी है, पर दुल्हा जो है वो भगाने वाले कपड़ों में है, दुल्हा वाले कपड़ों में नहीं है ना. अच्छा देखें, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी वो तैयार खड़ी है, लेकिन दूल्हा जो है
उन्होंने आपको, आप कौन सी फूलों वाली शर्ट पहनती? फूलों प्रिंटेड है, प्रिंटेड प्रिंटेड शर्ट। चलो अब आप लोग शुरू हो जाओ पोस्टर के ऊपर। देखिए बहुत आपने अच्छा गेस किया, लेकिन ऐसा कुछ दूर दूर ऐसा कोई है नहीं। हाँ भागने भगाने वाला शायद है कुछ एलिमेंट। अच्छा, लेकिन ये बेसिकली चार डिफरेंट फेजेस हैं, और मुझसे जो वहाज जो है, वहाज के साथ ये पूरी कहानी शुरू होती है। हाँ। और फिर बस ये है कि वो एंड में ये जो लड़की है सामिया, मेरा कैरेक्टर, वो कहाँ एंड अप हो जाती है। अच्छा, तुम्हारे कैरेक्टर बनने की वजह से सामिया है तुम्हारे कैरेक्टर? सामिया। और वहाज के कैरेक्टर का नाम क्या? रिजवान। रिजवान, रिज, रिज, सामी एंड रिज। सामी एंड रिज जो है वो सामी रिज की दीवानी होती है या रिज सामी का दीवाना हो जाता है? क्या होता है ड्रामे में? आई थिंक क्या शुरुआत के फैक्ट है, सामी ही रिज की दीवानी होती है, क्योंकि आजकल उल्टा हो रहा है, लड़कियों को आइडियल चाहिए। बिल्कुल, पहले बेचारी पेट निकला हुआ, गंजे चश्मे वाले सब एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन आज लड़कियों को चाहिए भाई हीरो टाइप। लड़कियों के नखरे हैं भाई, और होने भी चाहिए। हाँ, वो तनख्वाह वनख्वाह बाद में पूछती हूँ, कहती हूँ पहले तस्वीर दिखाऊँ। दिखाए आपने बाल? शुरू से होता था? नहीं। अच्छा, पहले तो अम्मी अबू ने जो कहा, अच्छा जी कोई बात नहीं, पहले ये बहुत होता था जो अम्मी अबू ने कहा, जो अम्मी अबू ने कहा। अब लड़कियों इंस्टा ये वो फिल्टर डाल के लड़कों ने अच्छी अच्छी तस्वीरें, जिम जाने लगे। दादा पहले कौन जिम गए? तुम्हारे अबू जिम गए? मेरा नहीं। मेरे अबू भी जिम नहीं गए। देखिए कोरोना की वजह से बहुत लोग जिम जाने लगे, ये तो है, घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, ये मैंने नोट किया है। इम्यून सिस्टम को अच्छा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत। लेकिन पुराने जमाने में लड़कों को खूबसूरत लड़कियां ही चाहिए होती थी, अब लड़कियों को अच्छे हैंडसम लड़के चाहिए, ये चेंज हुआ है, तो अच्छी बात है। आप इतने सीरियस क्यों गए थे, दुखी? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ, आप लोगों की जो गुफ्तगू है इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और रिलेट कर रहा हूँ कि मेरा जो किरदार है रिस, उसको क्या चाहिए था, ताकि फिर आप मुझसे पूछेंगे तो बता सकूँ आपको बेहतर तरीके से क्या चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं मोहब्बत में और अफेक्शन में, अटैचमेंट में। तो उस कंफ्यूजन का जो शिकार है ना, वही इन दोनों के जो किरदार हैं वो उसी कंफ्यूजन के शिकार हैं। कि आप अटैच्ड हैं किसी के साथ या आपको वाकई मोहब्बत है, तो वो उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए कोई कोर्स होना चाहिए जो यंग बच्चे, उनको कैसे पता चलेगा कि सच्ची मोहब्बत है या हम सिर्फ अट्रैक्ट हुए, अफेक्शन हुई है खाली? मुझे लगता है कि जो आपकी कहते हैं ना जवानी की मोहब्बत, हाँ उस वक्त अगर ऑब्वियसली चीज़ें स्टेबल हो गई तो वो फिर आगे तक चलती है। लेकिन एक होता है कि जो इसका कैरेक्टर जो मुझे लगता है वो जवानी की मोहब्बत नहीं होती, जो सीरियस नहीं होती। चलो दुपट्टा सही से ओढ़ो, उस लड़के से बात नहीं करना, वो भी नहीं। नहीं, रिज ऐसा भी नहीं था। नहीं, लड़के जो जवानी की मोहब्बत होती है वो तो यही होती है। जवानी की मोहब्बत वो होती है जो चाचा का लड़का है, खबरदार तुमने उससे बात की तो। जज्बाती वो होती है, वक्ती मोहब्बत। हाँ, कि अगर चले तो मेरी बालकनी में। जी जी बिल्कुल, वो वाली, वो फिल्मी मोहब्बत होती है। खिड़की में खड़ी रहना मेरे लिए। खिड़की में खड़े रहना मतलब ये क्या, बस स्टॉप पे लड़का खड़ा तो खड़ा है शादी के बाद? यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो अटैचमेंट होती है। तो अटैचमेंट में आप वो कर रहे होते हैं जो आपको लगता है सही है। हाँ। जो आपको जो जैसे आपको खुशी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा देखते हैं, हाँ, तो उसको उठा के गले लगा लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, हाँ, और उसको चूमते हैं, बावजूद इसके कि वो इरिटेट हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो ये अटैचमेंट है। हाँ। तो हम इस अटैचमेंट को प्यार समझते हैं कि हमें उस बच्चे से प्यार है। वो प्यार नहीं है, ऐसे किसी शख्स से प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। और ज्यादातर ये हम क्यूट बच्चों के साथ ही करते हैं, उनके गाल नोच नोच के हंसते हैं। मैं अब नहीं करती। तुम पहले करती? मेरी छोटी कजन के यहाँ पे रैश हो गया था, मैं उसको बहुत मैं उसको पपियाँ देती थी। तो मेरी खाला ने बताया कि ये मत किया करो, रैश हो जाता है। आपने बाज की बेटी देखी? मैंने तस्वीरों में देखी। बहुत, कितनी बड़ी हो गई बाज? माशाल्लाह 3.5 साल की। अच्छा, वहाज सब अपने बच्चे बीवी छुपा रहे होते हैं, वहाज नहीं छुपाता ना? नहीं छुपानी चाहिए, इतनी क्यूट है वो, है ना। अब हमारा वो उनके ड्रामों में नहीं लेंगे, ये वो हीरो नहीं लेंगे, कुछ ऐसे लोगों का होता होगा दिमाग, आई डोंट नो। नहीं नहीं वहाज। अच्छा, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बल्कि मेरा जो करियर था वो शुरू ही शादी पे ही हो रहा था। बाद अच्छा, मैंने पिछली दफा आपसे पूछा था कि आपकी मोहब्बत कैसी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दोबारा बताइए, हर ड्रामे में पूछूंगी कैसी मीठी मोहब्बत, इसमें तो बनता भी है।
बिल्कुल याद दिलाएं, बात मैं भूल चुकी हूँ, बहुत दिन हो गए. नहीं नहीं, कैसे मिली थी आपको, आपकी मोहब्बत जिनसे हुई वो आपको क्या कहते हैं, रियल लाइफ और रील लाइफ की बात होगी दोनों. देखो ऐसे ही था, हमारी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम पे मुलाकात हुई थी. हाँ. तो इंटर्नशिप करने आई थी तो मुझे लगा चले बात करके देखते हैं. उस टाइम शौक भी होता था लड़कियों से बातें करने का. जवानी की मोहब्बत नहीं है उस टाइम होता था. अब हो जाते हैं कंपनसेट, अब सब लोग दोस्त हैं तो बातें हो जाती हैं, लेकिन तब जरा होता था कि बात करनी है. बस उन्हीं उसी तरीके से फिर हमारी बात शुरू हुई. अच्छा, वो भी इंटर्नशिप पे थी? वो मैं इंटर्नशिप पे नहीं था. हाँ. वो इंटर्नशिप पे थी. इंटर्नी. अच्छा. तो वो आई थी फिर वो चली गई, लेकिन मैंने फिर उनको देख लिया और मैंने कहा नहीं अब हम टारगेट कर लिया मैंने. हाँ. लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमने उस वक्त साथ गुजारा. तो वो जो आपकी इंटर्नी आई थी उनको आपने अपनी बेगम बना लिया, उनकी ऐसी क्या अच्छी बात थी वहाज को जो वो? देखिए भाई, मैंने उनसे कहा कि दोस्ती कर लो. हाँ. उन्होंने अगला मुझसे सवाल ये किया कि फिर घर वालों को कैसे बनाएंगे. हाँ. मैंने कहा ये तो मसला हो गया, ये तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ दोस्ती करने का कह रहा हूँ यार. हाँ. तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मसला है, ये तो घर वालों को कैसे बनाएंगे. तो वो उस सारे प्रोसेस में फिर हम हो गया बस. आपने कहा कि पहले घर वालों को मना लेते फिर दोस्ती करते. बिल्कुल, कुछ ऐसा ही करना पड़ा मुझे दोस्ती. हाँ. करने के लिए. लेकिन वो दोस्ती जो थी उस वक्त बच्चा सही कमाओ कूद था, शादी के काबिल था. जी जी बिल्कुल, मतलब कोई टेंशन नहीं हुई. कोई टेंशन नहीं, कोई समाज की दीवार नहीं. समाज की दीवारें तो आती हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर आपकी नीयत साफ है और अगर आपकी समाज की दीवारें कौन थी, दोनों की फैमिलीज थी. हाँ. हम लोग खुद थे, असल रीजन हम लोग थे. अच्छा. क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है. क्यों आपको किधर जाना था? मतलब मुझे लगता है कि बहुत, मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वाकई प्यार करते हैं कि आप सिर्फ अटैच्ड हैं. तो ये आपको, वही मैं कह रही हूँ कि आपको कैसे पता चला. मैं आपको बताता हूँ. मैं भी रिसेंटली एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप, उनको सुन रहा था. तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एग्जांपल दी कि ये दो लाइट्स हैं, ये एक बल्ब है और एक और किसी डिफरेंट किस्म की लाइट है. हाँ. लेकिन इनमें इलेक्ट्रिसिटी एक है. हाँ. तो अगर आपकी एनर्जी शेयर कर रही हैं, आप एक एनर्जी शेयर कर रहे हैं आपस में, और अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं. हाँ. अगर आपको, आपको, आप किसी दूसरे इंसान को देखते हैं और आप जाग उठते हैं और आप वहाँ ठहर जाते हैं. हाँ. तो वाकई वो प्यार है. तो वो तो यहाँ के पाकिस्तानी लड़के तो जिसको भी देखते हैं जाग उठते हैं, कोई अच्छी सी लड़की इधर से गुजरी जाग के लिए सबके प्यार है. वो एक टेम्परेरी फीलिंग होती है. हाँ. वो एक टेम्परेरी फीलिंग होती है, आइडेंटिफाई करना. हाँ. वो फौरन खत्म हो जाता है, वो हमेशा नहीं रहता. जो प्यार होता है वो आज भी ऐसा है, वो 10 साल बाद भी वैसा रहेगा. हाँ. और वो 30 साल बाद भी ऐसा रहेगा. अच्छा, तो वाकई ऐसे ही रहता है. हाँ. पता नहीं, मुझे तो 20 साल 18 साल हो गए. क्यों आपको, आप जब देखती हैं उनको. हाँ. तो वक्त ठहरता नहीं. मेरे दुपट्टे उड़ने लगते हैं, हवा चलने लगती मेरे बाल उड़ने लगते हैं. ऐसा आपका एक बंदे को जब आप नाइट सूट में देखेंगे मुस्तकिल बनियान पहने में, ऐसा होगा बताएं मुझे खवातीन, कुछ ऐसा हो सकता है? पहले आप जब नई नई शादी होती तो आप ये जिस तरह वहाज तैयार हुए में. नहीं, मैं वाइफ भी 4 साल हो गए शादी को, मैं तो आज भी वैसे तैयार हूँ. बस वो तो पहले गोटी होती थी आपकी. हाँ, वो जरा थोड़ा सा मसला हो गया था. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करें किसी पिटी मोहब्बत की रमशा और वहाज से, और थोड़ी बहुत मैं अंदर की बातें निकलवा सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं निकलवा सकती क्योंकि रात को ही तो आ रहा है किसी पिटी मोहब्बत 8 बजे, मिस नहीं कीजिएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. मेरा नाम सामिया है और हर लड़की की तरह मेरे पैदा होते ही मेरे घर वालों का भी एक तकिया कलाम है, खुदा नसीब अच्छे करे. एक नामी के पीछे मिली हमको बदनामियां, गाली का जवाब गाली और थप्पड़ का जवाब मुक्का या फिर लात. बचपन में तो समझ नहीं आया, लेकिन जब बड़ी हुई तो समझ में आया कि लड़की का अच्छा और बुरा नसीब उसकी कामयाब और नाकाम शादी की पैरवी करता है. सारे जहाँ की आवारा बदमाश. क्या बदमाशी की है मैंने? मेरे बेटे को बरगलाया, बहकाया, शादी कर ली उससे. और मैं तो बहुत ही बदनसीब वाकई हूँ. हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे साथ यहाँ वहाज अली और रमशा खान मौजूद हैं क्योंकि इनका ड्रामा सीरियल शुरू होने वाला है आज रात 8 बजे AR Y Digital पर, घिसी पिटी मोहब्बत.
जिसकी प्रोडक्शन हाउस है आई ड्रीम प्रोडक्शन, डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी और राइटर हैं फसी बारी खान. तो इतना अच्छा पैकेज एक साथ आप देख सकेंगे सिर्फ हमारे पास. हाँ तो अच्छा, जैसे तुम लोगों का नया ड्रामा शुरू हो रहा था तो कुछ एक्साइटमेंट होती है तुम लोगों को? मुझे तो मैं तो नर्वस हो रही हूँ. मैं इस ड्रामे के लिए बहुत नर्वस हो रही हूँ. बस एक टॉपिक ऐसा है, कैरेक्टर ऐसे किया है, मैंने इस किस्म का कैरेक्टर कभी नहीं किया, कभी इतनी चीज़ों से गुजरी है. अच्छा, और फिर एक चीज़ की एक्साइटमेंट है वहाज के साथ. पहले भी माहिर तमाम हमने किया, इसका एक कम्फर्ट लेवल. कैसा कलीग है वहाज जो है, वो नखरे हैं इसके या वो बहुत नखरे बहुत लेट आते हैं ये? नहीं मजाक कर रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत पंक्चुअल है और वेरी 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 सपोर्टिंग. बहुत ही अपने क्यूज देते हैं कि कहते हैं यार गर्मी लगी मैं अंदर जा रहा हूँ. नहीं, ये तो हमारी डील होती है, क्यूज की तो डील होती है, क्योंकि यार वो एक्टिंग नहीं, वो फ्लो ही नहीं बन पाता. एंड प्लस एक होता ना कि एक आपको, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे होता है कि अच्छा मैं कोई भी एक्सप्रेशन में शायद रीटेक भी दूँ तो इसका मुंह नहीं बनेगा, ये करेगा कि नहीं कोई मसला. हम रीटेक्स भी बहुत देते हैं क्योंकि हम खुद भी करके कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते. अहमद भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और उनकी वजह से हम बहुत कंफर्टेबल थे. आपको बार बार ये होता है एक और टेक असल में उसकी वजह ये, जब आपकी आपकी केमिस्ट्री अच्छी होती है अपने को स्टार के साथ तो आप एक दफा करके आपको समझ में आता है कि अगर हम शायद ऐसे नहीं ऐसे करते तो शायद बेहतर तरीके से वो डिलीवर हो सकती है. अच्छा, इस ड्रामे में ज्यादा चंटू कौन है, वहाज चंट है या रमशा का कैरेक्टर ज्यादा चलाक है या वहाज का? दोनों बेवकूफ हैं, दोनों बेवकूफ हैं मुझे लगता है. जैसे टीनेज में होते हैं लड़के लड़कियां, है ना, मोहब्बत में बस सब चीज छोड़, डेढ़ होशियार बिल्कुल बिल्कुल डेढ़ होशियार से मुझे लगता है कि दोनों ही हैं. हाँ, अपने अपने तरीकों में. अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि तुम लोगों वाला जो फेज है, जो तुम लोगों का इकट्ठे जो टीनेज वाला दिखाया है मोहब्बत, उससे देख कर लड़का जो हमारे यहाँ की जो जेनरेशन है यंगर जेनरेशन, वो कुछ सबक हासिल करेगी उससे? बिल्कुल करेगी. हाँ? बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है क्योंकि नसीहतें नहीं समझ में आती बच्चों की. वो देखकर प्रैक्टिकली सीखकर अच्छा उसका ऐसा. बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप जितने भी देखो, हम मैंने भी बचपन से मूवीज देखी हैं लेकिन तभी रियलाइज हुआ जब एक्सपीरियंस किया. हाँ, लाइफ में आप कुछ भी एक्सपीरियंस करो तो आपको तब होता है कि अच्छा अब ये नहीं करना दोबारा, आप खुद ना गुजरो ना किसी चीज से. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, आई थिंक प्रॉब्लम ये कि लोग बार-बार गुजरना चाहते हैं. ये भी है, कुछ है ऐसे लोग जो नहीं समझते. बिल्कुल, ये ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए. हमने तो नहीं किया ना एक्सपीरियंस, हमने तो नहीं किया ना. लेकिन अब हालात ऐसे है कि वो बार बार खा के पछताते हैं, बार बार खा के पछताते हैं और फिर भी खाना है, फिर भी खाना है. अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, जाहिर है जब तुम लोग आए होगे तब तुम लोग और यंग होगे, बंदा वक्त के साथ साथ मैच्योर होता है और चीज़ों को पिक करता है. तो अगर मैं वहाज से पूछती हूँ, जब वहाज शुरू में आए थे शो बिजनेस में और अब शो बिजनेस में या टीनेज था और अब जो है वहाज की जो एज है, उस हिसाब से वहाज के अंदर क्या चेंजेस आई हैं जो वहाज को पता है कि मैं वहाँ गलत था और अब मैं बेहतर हो गई, ओवरकम कर लिया? मुझे लगता है कि बहुत ठहराव आ गया है. अच्छा, पर्सनालिटी में. हाँ. पहले मैं बहुत परेशान रहता था, नहीं ऐसे नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. हाँ. अच्छा, ये वाला कब होगा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा. अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ. और अब मुझे लगता है कि अगर जो मैंने काम किया है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो लोग जो मुझे अहमियत देते हैं उनको मुझे देखकर अच्छा लग रहा है. हाँ. वो बेहतर फील कर रहे हैं तो फिर मैं खुश हूँ. अभी रिसेंटली मैं एक बिक्रम मोती का एक सीन चल रहा था तो मैं घर में गया, मेरी वालदा वो सीन देख के रो रही थी तो मैं उनको देख रहा था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे. तो फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, अगर किसी और को पसंद नहीं आता लेकिन मैं आई थिंक डिलीवर कर रहा हूँ तो उनकी आंखें नम हुई हैं. उनको वैसे भी अपने बेटे पे प्यार आ रहा होगा, उसके साथ ज्यादती हो रही है, वो ये सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है. अब
पहले ऐसा नहीं था, पहले बस मुझे होता था कि ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, नहीं क्यों नहीं पसंद आया, अच्छा नहीं, रेटिंग फोन करके पूछते हो कि हाँ रेटिंग आई डायरेक्टर को? कभी भी नहीं पूछी, कभी भी नहीं पूछी। तुम पूछती हो? मैं इस रेटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे यकीन ही नहीं रखता, नहीं कहो भाई, ऑनेस्टली नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना, उसको किसी हद तक ड्रॉप किया है। हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं आवाम को, लेकिन हम इस सारे सिस्टम में इतना फंस गए हैं कि हम बता ही नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम सब वो दिखा रहे हैं जो सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन हमें वो दिखाना चाहिए जो जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सके। हम बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं, हमारे पास वो ताकत है, लेकिन अल्लाह करे कि वो वक्त करीब जल्द आए और ऐसा काम हो भी रहा है कि कम क्वालिटी वर्क दे सके। बिल्कुल। अच्छा रमशा, मैं तुमसे भी यही सवाल करूंगी जो मैंने वहां से किया कि लाइक तुम्हें अपने अंदर क्या चेंज लगता है कि मैं उस वक्त मैं गलत थी, अब मैं ये चीज़ समझ गई। मैं शुरू से बचपन से, अगर आपको याद होगा ईद के शोभा मेरी बहन भी आई थी, मैं बहुत बावली टाइप रही हूँ, स्टूपिड सी, हाँ सच बात है, बोंगी बोंगी सी, तो ये था मेरे अंदर पहले, और मुझे आइडिया नहीं होता था चीज़ों का, और यू नो अपने अपने लिए कैसे मैं एक बाउंड्री रखूँ ये वो। तो अब मेरे अंदर मुझे लगता है वो ज़रा आ चुका है, आई थिंक ये सामिया से ही आया है टू बी ऑनेस्ट, कि मैं दिल में बातें नहीं रखती। वो छोटी है तुम्हारी, बड़ी है? वो छोटी बहन नहीं, सामिया कैरेक्टर। अच्छा सामिया, मैंने कहा अलीशा, अलीशा मैंने कहा बहन की बात करी एकदम, सामिया का नाम अभी हमें थोड़ी रखा है, हम ड्रामा देखेंगे फिर हमें याद होगा सामिया का नाम। बिल्कुल सही बोला। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर जो चेंज आया है कि अब मैं ज़्यादा ब्लंटली बात कर लेती हूँ लोगों से, और जो चीज़ समझ आती है मैं बताती हूँ। अब बोंगियां कम मारती हूँ, बोंगियां कम मारती। बिल्कुल, मैं भी मसला, मैं तुम मेरी जैसी हो, मैं बहुत बहुत बोंगियां मारी है शुरू में शो में। अब ऐसा कि कोई अब कोई नहीं पागल बना सकता मुझे, सीख गई हूँ मैं। वाकई आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं, और बाहर कोई बोंगियां मारता है, लड़के भी मारते हैं, लड़कियां भी मारती हैं, लड़कियां थोड़ी ज्यादा मार देती हैं कभी कभार। स्पेशली अगर आपका आई थिंक अकेले के कोई आपका मेंटोर या आपके कोई यू नो दोस्त वोस्त नहीं होते ना इंडस्ट्री में, तो फिर आपको फिर खुद जरा मजबूत बनना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि आप ये कम होंगे हमारे। जी ये मैं इनसे एक्चुअली ये मैं इनसे पूछती रहती हूँ। पहले हम जब माहे तमाम 2 साल पहले किया था, तो हम दोनों बहुत भोंगियाँ मारते थे। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने वाली थी, जब माहे तमाम की रमशा और अभी किसी पिटी मोहब्बत की रमशा में कितना फर्क देखा वहाज ने? रमशा से मेरी दोस्ती है, तो वो दोस्ती वैसी रही। मुझे नहीं, इसकी पर्सनालिटी में तो फर्क चेंज आया होगा ना कुछ, तो ये बोंगी वाली बात सही कह रही है, तब ज्यादा थी अब कम। मेरे सामने तो तब भी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट थी। और हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलाव आता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बदलाव ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को महसूस ना हो, आपको सिर्फ फील करना चाहिए उसको। तो ना तो मुझे कोई ऐसा लगा कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और तुम्हें क्या फर्क लगा वहाज में, तब के वहाज में अब के वहाज में? मुझे बेटर करने लगा एक्टिंग? नहीं, एक्टिंग तो हमेशा से अच्छी करता था उस वक्त भी हमें। बस वो अभी रमशा ने मुझे एक पुराना सीन भेजा था, और मुझे कहा था हमने तब भी अच्छी एक्टिंग कर ली थी यार। हम लोग बस हाँ, और हम लोग डिफरेंट थोड़े से, अब हम लोग जरा हमारी शक्लें भी थोड़ी सी चेंज हुई है। हाँ, लेकिन इंसान बहुत ग्रूम हो जाता है। exactly. खास तौर पे एज एन एक्टर आपको बहुत टाइम बाद पता चलता है कि किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने आप को। अच्छा, अब अगर आप पुराने ड्रामे आप अपने देखते हो, तो वहाज और रमशा दोनों से पूछूंगी, कौन सी चीज है ना आपको जो आप गड़बड़ लगती है, यार मैंने नाक की कॉन्टोर सही नहीं की थी, अगर मैं शेव बना लेता, ये आपके लिए सवाल है, तुम तो नहीं कर सकते, अगर मैं शेव ये वाली रख लेता, या मैं अगर ये गुठी ना रखता, या कुछ होता है देखकर पुराने कोई चीज देखते हो तो? बिल्कुल होता है, आई थिंक इम्परफेक्शंस आर ब्यूटीफुल, शक्ल में। मैं ही नहीं पूछ रही ब्यूटीफुल है कि नहीं, नसीहत नहीं करो, बताओ। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि जो दाढ़ी के स्टाइल होते हैं वो जो मैं लाइन गोटी लाइन बना लेता था यहाँ से, और वो अजीब तरीके से, वो मुझे लगता है कि शायद वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा, वो दाढ़ी के स्टाइल बना देते कोई शेव करके, कोई खास हर ड्रामे में खास स्टाइल होता था, फिर चेंज करना होता था, मुझे लगता है वो बहुत ओवर द टॉप हो जाता था कभी कभी। अच्छा, तो जितना एफर्टलेस, जितना नेचुरल लगे उतना अच्छा लगता है। ये आपने सीखा? ये सीखा। और रमशा तुमने क्या सीखा? मैंने तो मेकअप, मेरे क्या करती मेरा फेस बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है मेकअप आर्टिस्ट पे, तो मैं मुझे मेकअप करने नहीं आता था पहले, मैंने सीखा, और मुझे होता था पहले मेकअप आर्टिस्ट करते क्या थे तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं, मेरी इतनी बड़ी मोटी आईब्रोज बना देते थे, और इतनी छोटी छोटी सी आंखें,
मैं समझ नहीं, और ऐसी ब्लैक कॉन्टोरिंग और अजीब टेढ़ी सी नाक और बेस फेस भी ज्यादा लगा देते थे, बेस फेस इतना बहुत केकी सा, बहुत अजीब लगती थी मैं। और बस ये तो पहले मुझे होता था क्योंकि मेरा एक पहले आई डोंट नो आपको रियलाइज हुआ है कि पहले एक गैप होता था मेरे दांत में। अच्छा, और फिर पता नहीं मैंने तुम्हें कभी नहीं अभी ईद गुजरी है आपको रियलाइज हो गया ये शो आपको ईद से थोड़ा पहले करना चाहिए था क्योंकि माहौल था तरीके से कह रही है आपको याद हो मेरे किधर गैप था गैप था। उसके बाद फिर मैंने ये फिक्स करवाया। वो एक होता है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, अच्छा किया। मैंने पहले सोचा मैं ब्रेसेस करूं लेकिन डेंटिस्ट से कहा ब्रेसेस नहीं आपको ये निकलवाने। आजकल ये ट्रेंड है ना, सब कर रहे हैं। वैसे भी अच्छा लगेगा, हंसते में मजा आता है, वजह से अच्छा लगेगा। हालांकि मेरा देवर डेंटिस्ट है पर मैंने नहीं कराया। आपके मास्टर से जानते हैं बिल्कुल ठीक। वो पहले जब हमारा रिश्ता हो रहा था तो वो देखे शुक्र है आप पे खर्चा नहीं होगा, आपके दांत सही, मैं आप दांत चेक करने आए। आज अभी मैं आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी कर रही हूँ, ठीक है? और वो एक्टिविटी ये है कि हमने 100 लोगों से पूछा है कि जो मोहब्बत है ना, ठीक है, वो किस किस तरह हो सकती है, घिसी पिटी मोहब्बत कैसे कैसे हो सकती है। इजहार के तरीके अलग अलग होते हैं, हर जमाने के अलग थे। बिल्कुल, दरख्तों से लिपट लिपट के एक जमाने में याद है इजहार कर रहे होते थे, गाने इस तरह शूट होते थे। अब बीच में आ गया था ठुमके बहुत होते थे गानों में, अब और ट्रेंड चेंज हो गया है, तो वो हर जमाने में चेंज होता रहता है। हाँ भाई, तो पहला सवाल ये है, घिसी पिटी मोहब्बत के इजहार का टॉप तरीका, ठीक है, एक एक तरीका कोई बताएं आप दोनों। आंखों में देखते रहना और साथ एक फूल देना। आंखों में देखते रहना और साथ एक गुलाब का फूल देना, साथ इसकी इसकी भी पूछ लूं ना सर। अच्छा चलिए हम चेक करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। गुलाब का फूल देकर तो क्या कितने परसेंट लोगों ने बोला भाई? हाँ कम ही होगा। अच्छा हमारे पास जो जवाब आया है वो ये, एक जवाब तो ये है, एक तो करेक्ट हो गया, पर हमेशा तुम मुझे बताओगी कि तुम क्या कहती हो कि बेस्ट टॉप तरीका क्या है इजहार का, मोहब्बत के इजहार का। आई लव यू बोल देना। हाँ। बस जबान से इजहार करना। क्या कोई ऐसा जवाब हमारे पास है कि नहीं? लव लेटर तो पुराना जमाना हो गया यार, मतलब मोहब्बत नामा दे के सॉरी SMS कर देना। SMS कर देना, खत फोन में बता दे रहा, इजहार करना। हाँ। इजहार कर देना, इजहार कर देना। हाँ। तो क्या मैं मैच कर लूं ये? अच्छा और तीसरा? तीसरा नहीं, तुम लोग बताओ तीसरा क्या है इजहार में, इनको दिखाऊंगी फिर परसेंटेज दिखाएंगे ना। अच्छा तीसरा क्या है तरीका, तुम लोग अब हम बताएंगे। घर पे रिश्ता? ओहो नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं भाई बहुत कम होता, तो नहीं होता। मैं भी अग्री करती घर पे रिश्ता भेजना, क्या ये तो वाकई किसी पिटी बात हो गई। अच्छा अगला सवाल, ठीक है तुम दोनों का मैं मानती हूँ सही, एक एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीन जवाब हैं जो हमने 100 लोगों से पूछा है, उसमें से कोई अगर तुम लोगों कोई एक जवाब सही हो गया तो ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ओके, घिसी पिटी या बोरिंग मूवी देखते हुए कौन से तीन काम हैं जो इसके अलावा आप करते हैं? फोन मूवी देखते देखते अगर बोर हो रहे हैं तो मूवी के साथ साथ कौन से तीन काम है जो आप कर रहे हो? फोन में लग जाना, मैं तो सो जाता हूँ, हो जाना, खाना खाना। आप लोगों ने जवाब मेरे देखे नहीं है क्या? नहीं है अल्लाह, तो सही जवाब हो रहे हैं। रमशा ने कहा फोन का इस्तेमाल करना, ठीक है, खाना पीना भी कहा है रमशा, खाना पीना, तुमने खाना पीना भी बोला है, और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भी रमशा ने कहा, रमशा बहुत फोन यूज करती हैं। अच्छा आपने सो जाना कहा है, सो जाना, और सो जा नींद आने पर सो जाना, तो दोनों के जवाब दुरुस्त हुए, जबरदस्त। अब हमें 2-2 पॉइंट्स हैं यहां पर, या आप तो 2 पॉइंट्स हो गए दोनों के। अच्छा तीसरा, तीसरा सवाल कहां गया, ये तीसरा सवाल कहां गया? ओके, शादी की तकरीब में ना जाने का कोई टॉप बहाना, तुम्हारी अम्मी तुम्हें फोर्स कर रही हो, बहन आपकी वाइफ आपको फोर्स कर रही हो, ससुराल ही है दावत, जाना पड़ेगा, बीमार बीमार हो गए हैं। बीमार हो जाना। हाँ जी दिखाइए भाई, हमारे क्या तबीयत खराब हो गई है तुम लोग? या फिर मैं कभी कभार बोलती हूँ अरे मैं भूल गई, अरे मैं भूल गई, गलती दिखाइए जरा, ये शादी की तारीख याद नहीं,
रमशा तुमने ही तो नहीं बनाए मेरे ये सवाल जवाब. मैंने ही बनाए थे. और आप क्या बोलते हैं? मैं तो तबीयत खराब का. तबीयत खराब आपने भी बोल दी. हाँ सही है. शादी की तारीख याद नहीं, तबीयत खराब. ओके जी. हाँ बच्चों को प्यार से पुकारने वाले टॉप नाम. क्यूटू शोना पारू. और क्या हो सकता है? शोना पुराने जमाने में क्यूटू नहीं होता था. क्यूटी पुराने जमाने में गुड़िया मुन्नी काका काकी. काका काकी हाँ. तुम्हारा कोई निकनेम है? रामू. रामू काका. रामू. और आपका आवाज नहीं कोई तो होगा बता नहीं रहे. फोन मिला उनकी वाइफ को. ना वैसे भी बेगमात को बहुत प्यार आता है तो कुछ ना कुछ बना देती है. मैं आजकल अपने मियाँ को नवाज बोल रही हूँ. पता नहीं लगता है बुलबुले ज्यादा दिख रही हैं. पता नहीं क्या होगा. नहीं उनका नाम है नवाज लेकिन सरनेम पुकारती हूँ. अच्छा यासर अच्छा, नवाज है ना. मैं यासर भाई याद करता हूँ. नवाज याद नहीं. मैंने कहा नवाज बिल्कुल वो आउट ऑफ लीग लग रहा है ना. नहीं मैम मैंने कहा पता नहीं मैंने निकनेम बनाया है नवाज. नवाज नवाज साहब. साहब नहीं कोई बोलता. अमीरा ने वैसे जब से डैड कहना शुरू किया है तो सब डैड ही कह रहे होते हैं. क्या मतलब अमीरा की अम्मी भी डैड कह रही है? डैड को बताओ जाके और डैड को ये कहो जाके तो मुझे लगता है कि डैड दिखाए भाई निकनेम्स. तो आपने क्या बोले निकनेम? तुमने बोला क्या? क्यूटी. क्यूटी सोना पारो. सोना पारो. दिखाओ भी कोई. मुन्नी. ये तो इतना मुन्नी हर फिल्म में होता था मुन्नी. हाँ और क्या? और पप्पू. पप्पू किसने बोला था? नहीं. हाँ चले भाई आपका एक पॉइंट हो गया. सोना. सोना तो है वो इंटरनेशनल है. सोना चलता रहे. पुराने जमाने की आप बात करी? नहीं मैं पुराने जमाने ही नहीं. अभी भी बहुत सोना सोना बहुत मुन्नी कहते हैं अभी भी. हाँ मुझे लगता है गर्लफ्रेंड्स को ज्यादा कहते हैं मुन्नी. सोना मुझे इतना अच्छा लगेगा मुझे कोई मुन्नी कहे तो. इस उम्र में अगर कोई मुन्नी कह दे तो उससे अच्छी क्या बात होगी. ये सोना कहते हैं. सोना कहते हैं लोग. हाँ कहते हैं सोना. ओके अगला सवाल. अचानक अचानक मेहमानों की आमद पे मंगवाए जाने वाले रिफ्रेशमेंट्स मतलब एकदम जाओ निम्को. निम्को आप बताएं. वो एक फ्रूट केक होता है. फ्रूट केक जिसमें हाँ वो ड्राई वो होते हैं क्या नाम है वो चाय के साथ डिप करके. पिज्जा भी आ जाता है. पिज्जा भी. पिज्जा और फ्रूट केक. बिस्किट. निम्को और बिस्किट. वो जो बेकरी के बिस्किट्स होते हैं. ड्रामे दिखाओ. क्या आते हैं? समोसे. अरे आप लोग भूल गए. और पैटीज. और तीसरी क्या है? हलीम. ये कौन सौ लोग हैं मुझे तो समझ. हलीम कौन मंगाता है? हलीम कौन मंगाते हैं? हलीम इतने शौकीन है यहाँ लोग खाने के क्योंकि तैयार मिलता है ना अचानक इसलिए. हाँ ये भी है इसलिए. तो तुम लोगों को कोई निम्को नहीं खा रहा? कोई लेकिन हम लेकिन रिफ्रेशमेंट में ही खा रहे हैं. फ्रूट केक मंगा के लटका करो. हमने वो चीजें बोली हैं जो हमारे ड्रामों में सीन्स में मेहमान आते वक्त हर ड्रामे की शूट पे समोसे आते हैं. पता नहीं कैसे हर ड्रामे शूट में निम्को और बिस्किट्स होते हैं. अच्छा आप चेंज हो गए. बेकरी के बिस्किट्स. हमारे जमाने जब हम ड्रामे करते थे तो समोसे जरूर आते थे. अच्छा ऐसे बजट कम हो गया होगा. कुछ एक्ट्रेस थे वो कहते थे सॉरी मैं फ्रूट डाइट पे हूँ मेरे लिए 2 किलो अनार मंगा. ओह गॉड. अदनान सिद्दीकी आप अनार मंगाते थे मुझे याद है. ओके लड़कों के शादी के शादी से इनकार के टॉप बहाने. अम्मी अब्बू नहीं मान रहे. अच्छा अम्मी अब्बू नहीं मान रहे. यही होता है. मैंने भी कोशिश की थी. माँ बाप आपको कह रहे हैं शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो लेकिन आप माँ बाप से बहाने कर रहे हैं. मैं लड़की को नहीं बोल रही. लड़की को लड़की को नहीं बोलना. अच्छा लड़की को उल्लू बनाने वाले नहीं पूछे. अच्छा अच्छा माँ बाप से कह रहे हैं. अभी मैं तैयार नहीं हूँ ज़हनी तौर पे शादी के लिए. अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं नहीं चाहता कि आपको मुश्किल में डालूं. क्यों आप इतना अच्छा हंसता खेलता घर बर्बाद करना चाहते हैं? रमशा तुम अगर तुम बताओ कि लड़का कोई बहाना करे माँ बाप से तो क्या करे? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है ना. लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसका. हाँ मुझे लगता है कि मैं अग्री करती हूँ फिर बाहर से. हाँ लड़कियों को ये वाला बताना तो ये तो परफेक्ट बहाना होता है. ये
लड़कियों को बोल रहे ना, अम्मी अबू नहीं मान रहे, ठीक है? और अम्मी अबू को बोलते हैं आप अभी मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं जी, दिखाइए अभी 100 लोग क्या कहते हैं। अभी तो मैं अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है, और अभी पैसे कम कमाते लड़की पसंद नहीं आई, कोई भी नहीं हुआ है, कोई भी नहीं, एक हुआ यार वो पहले अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन, एक्चुअली यही है कि अभी मैं दैनिक तौर पे तैयार हूं, अच्छा हां, क्योंकि मैं अभी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। रात 2 बजे आंख खुलने की वजह? बाथरूम। मैं तो शायद अमीरा के रोने पे भी नहीं उठता। उसी कमरे में सोते हैं दूसरे में? नहीं नहीं, उसी में, लेकिन मैं, मेरी आंख नहीं खुलती। गुप सोते हैं? आ रही होती है थोड़ी सी कहीं दूर से आवाज रोने की, हाँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इग्नोर करके सोता हूँ। आप एक्टिंग करते हैं कि मैं उठूँ ना, नहीं तो मुझे ही ना उठाना पड़े। सोता रहूँ। हाँ। तो अब देखते 100 लोग। अभी अमीरा वाला मतलब बच्चे के रोने से, और ये है बाथरूम जाने, वॉशरूम, और आगे बच्चा रो रहा, अरे वाह वाह वाह, डरावना ख्वाब, और डरावना ख्वाब देख ले। मैं आज तक नहीं उठा, वो कौन से ख्वाब होते हैं? मैं उठी हूँ, मैं, मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब भी आपको डरावना ख्वाब आता है ना, और आप आँख खोलते हैं, आपका हाथ आपके दिल पे होता है। जब आप हाथ दिल पे रख के सोए ना, आई डोंट नो, हमेशा आपको आपकी आंख खुलती है, पता नहीं क्या। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं। जब मैंने ड्रॉइंग ख्वाब देखा है, आंख खुली तो हाथ दिल पे है मेरा। अच्छा, शायद मैंने कभी नोट नहीं किया है। हाँ। लेकिन मुझे हमेशा तब आता है जब मैं अपनी बैक पे सो रही होती हूँ, जब मैं सीधा लेट के सोती हूँ, तो मुझे वही ना ऑक्सीजन, मुझे लगता है सही नहीं, जब आपकी जा रही होती ना, इनहेल नहीं कर रहे होते, तभी कोई ड्रॉना खा मुझे आप समझ आ रही है, साइंस है ना। ओके, अगला सवाल। सेल्फी लेने के बाद फौरन किया जाने वाला काम? एडिट, फिल्टर लगाओ, चेक करना कि ठीक आई है कि नहीं, और दोबारा लेना। अच्छा, ठीक है। ओके जी, दिखाइए भाई क्या कहते हैं 100 लोग। तस्वीर को एडिट करना, और लड़की अब तुम लोग बराबर हो गए, अब देखते हैं बाज का जवाब क्या है। शौर या दोस्त को भेजना, और आगे फेसबुक पर अपलोड करना। बराबर, अब आप लोग बराबर हो गए, अब बराबर हो गए, अब बराबर हो गए, अब ड्रॉ। हाँ, और आखिरी सवाल। घर से निकलते वक्त कौन सी 3 चीजें मौजूद होना जरूरी है आपके पास? मोबाइल फोन, एक फोन, चाबी, वॉलेट। फोन, चाबी, वॉलेट। फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, पैसे तो किसी और के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो, मतलब वाह वाह, किसके? कोई भी जो साथ हो, कुछ कोई भी साथ हो, मतलब कोई कोई भी साथ हो, स्ट्रेंजर भी हो। और अगर यही बात वो जो बराबर वाला है वो भी सोच के आया कि पैसे तो किसी के भी इस्तेमाल हो सकते, फिर घर जाना पड़ेगा, दोनों वाले दिखाए में क्या कहते हैं 100 लोग। मास्क, ओहो भूल गए, भूल गए, मोबाइल, मोबाइल, ओके मोबाइल तो दुरुस्त है, और बटवा, बटवा, हम दोनों जीत, हम दोनों बराबर हैं जी, हाँ बराबर हो गए, मोबाइल फोन सही जवाब आ गया, और बटवा, बटवा तुमने एक्स्ट्रा बोला था, लेकिन अब बराबर जवाब हो गया ना, उसने मोबाइल भी बोला। ओके, दुरुस्त हुआ जवाब आपका, आप लोग जीत गए। तो इस देखिए, ये जीत गए, और इनका इनाम ये है कि मैं इनका ड्रामा रहा था 8 बजे। दोनों का इनाम ये है, मैं अपना कीमती वक्त इनके ड्रामे को दूंगी रात 8 बजे, और आपने भी देना है घिसी पिटी मोहब्बत आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। अच्छा, कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं हर ड्रामे की, कोई कहानी होती है, अरे ब्रेक आ गई, ओहो पता भी नहीं चलता तुम लोगों से बातें करने का, या तो तुम लोग गपोड़े हो या मैं। नहीं नहीं, ब्रेक, हम अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे से आके बात करते हैं दोनों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रिजवान रिस, इंटरनेट का एक जाना पहचाना नाम। अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो रोते हैं, और जो रोते नहीं डर लगता है उनसे। मैंने टिश्यू लिया और उसने दिल। 24 साल का लड़का असल में 14 साल का होता है, और 21 साल की लड़की 31 साल की। मगर जो मोहब्बत की उम्र होती है ना, वो 1 साल के बच्चे वाली अक्ल रखती है अपने अंदर। आजकल के लड़के ना, लड़के कम आंटियां ज्यादा बनते जा रहे हैं। मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी। अरे क्या कर रही हो यार, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे, क्या होगा मेरा? क्योंकि तुम तो दुनिया की आखिरी लड़की हो ना, है ना,
जाओ। हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं। ये बर्बादी के सफर की शुरुआत है, मेरी पहली मुलाकात। मेरी पहली शादी 2011 में हुई थी और उस शादी के पीछे एक बहुत बड़ा वाक्या छुपा है। बर्बादी और तबाही अचानक नहीं आती, उससे पहले उस बर्बादी और तबाही के झटके आते हैं। अजीजा सुल्ताना, फरहत परवीन और फिर रिजवान। छोड़ो फरहत, क्या कर रही है आप? अस्तगफार अस्तगफार, कैसे मोहब्बत जता रहे हो जैसे जन्म मैंने नहीं इसने दिया हो। ना करे, वो मेरी माओ बीवी है, मेरी बीवी। मुझे हल्का मत लीजिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मैं हूँ, कुछ नहीं। शाबाश है बेटा, आखिरी वाले दिन भी कहियो कि तुझे इसी माँ के नाम से पुकारा जाए, जहन्नम रसीद होगा इंशाल्लाह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात 8 बजे आप देखेंगे एआरवाई डिजिटल पर एक नई ड्रामा सीरियल जिसका नाम है घिसी पिटी मोहब्बत। और इसमें कितनी, इस ड्रामे में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी ये तो आप रात को ही चेक कर सकेंगे, वाज की और अपनी रमशा की। लेकिन अभी मेरे शो पे मैं चेक करूंगी कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी, दो सीरियल्स एक साथ कर चुके हो तुम लोग। बिल्कुल, आज हम कुछ काम कराएंगे वहाद से, वो काम शायद उसकी अम्मी ने और उसकी बेगम ने भी नहीं कराए होंगे कभी भी नहीं। आज हमने वो काम कराने वहाद से और वो काम डिक्टेट करेगी रमशा, उसको देखे बगैर कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन रमशा के पास कुछ कार्ड्स हैं जहाँ वो पूरे टास्क और पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन है जो इस वक्त लाइव वहाद ने करनी है। और कितने मिनट का टाइम है भाई हमारे पास? हाँ, दो मिनट में इसने सारे टास्क कंप्लीट करने हैं वहाज ने। तो पहला टास्क रमशा देती है वहाज को और रमशा तुम्हारा नहीं, वहाज आपका टाइम शुरू होता है। रमशा चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। वहाज दो फिंगर्स पे लाल लगाओ नेल पॉलिश। ओह माय गॉड, अच्छा दो पे? हाँ दो पे। ओके लगा दी। तीन फिंगर्स पे ग्रीन, हरी। तीन फिंगर्स पे ग्रीन। हाँ ओके लगा दी। एक में पीली। एक में पीली। हाँ ठीक है, बस एक में? एक में। ओके दो में ब्लू नीली। दो में ब्लू नीली। हाँ एक में गुलाबी पिंक। वेट एक में गुलाबी। हाँ और फिर दोबारा एक में ग्रीन हरी। ओह कितनी बार हरी लगवाओगी। चलो हो गया, नेक्स्ट। बेचारी लड़की का हाथ ही खराब कर। रस्सी पे कपड़े लटकाओ। रस्सी में लाल शर्ट के साथ पीला पजामा लटकाओ। रस्सी में लाल शर्ट के साथ पीला पजामा। अच्छा ये किस तरह की कॉम्बिनेशंस करवा रही हो? अपनी तरफ से थोड़ा चेंज कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। इसका मतलब आज तक बाहर ने कभी चुटकी नहीं लगाई है। कैसे चुटकी लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? चुटकी की प्रैक्टिस उतने की नहीं है। हाँ लगी। अच्छा क्या करना था दोबारा बताओ? रस्सी में लाल शर्ट के साथ पीला पजामा। लाल शर्ट के साथ पीला। एक मिनट का टाइम रह गया। येलो पजामा। वी डोंट हैव पीला पजामा यार, कुछ और बताओ। नीली, अच्छा ब्लू कमीज के साथ ग्रीन छोटे सॉक्स। ब्लू कमीज ग्रीन छोटे सॉक्स। हाँ सॉक्स कहाँ है? ये इसको अटैच कैसे करूं ऐसे? कर ले हाँ ठीक है। और आगे 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 पीली कमीज के साथ नीला पजामा, येलो कमीज के साथ ब्लू पजामा। ठहरो इतना भी तेज नहीं हूँ मैं। पीली कमीज के साथ नीला पजामा। हाँ ठीक है लग गया। गुलाबी फ्रॉक के साथ लाल सॉक्स। गुलाबी फ्रॉक के साथ पजामा तो देखो जरा। गुलाबी फ्रॉक के साथ लाल सॉक्स। लाल सॉक्स नहीं है हमारे पास यार। लाल पजामे के साथ सफेद बनियान। सब चीजें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना हो। लाल पजामे के साथ सफेद बनियान। लाल पजामे के साथ सफेद बनियान। 30 सेकंड रह गए। ठीक है आगे आगे आगे। नीली फ्रॉक और गुलाबी सॉक्स। ब्लू फ्रॉक और गुलाबी सॉक्स। ब्लू फ्रॉक और पिंक सॉक्स। सिर्फ दो टास्क कर पाए, तीसरा टास्क नहीं कर पाए। कितने सेकंड्स? पिंक सॉक्स लगा दिए। और अच्छा, स्लाइस के पहली लेयर के अंदर दो टमाटर दो खीरे। सैंडविच स्लाइस की पहली। सारा काम करवाएंगे आज। स्लाइस की पहली लेयर के अंदर दो टमाटर दो खीरे। दो टमाटर दो खीरे लगा दिए। आगे बोलो। और सेकंड लेयर में ऑमलेट, उसके ऊपर ऑमलेट रख दो। ठीक है उसके बाद एक खीरा, एक सलाद पत्ता। सिक्स और दो टमाटर। फाइव। एक खीरा, एक सलाद पत्ता। Three. और दो टमाटर रख दिए। वन स्टॉप।
रुक जाओ भाई, बस क्या सैंडविच, कोई खा के दिखा दे मुझे जरा सैंडविच पर क्लोज। इतना अच्छा बन रहा है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, देखें इसको आप चेक करें हर तरफ से। देख रही हूँ मैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। रमशा तुम्हारे लिए बनाया, खाओगी? रमशा नॉट बैड यार, नॉट बैड, डबल डबल अच्छा लग रहा है। ओके बाज, आप अपने कार्ड्स उठाया, मैं आपके पीछे रखे हुए कार्ड, मैं पहले मैं चेक ना कर लूं महाज का किसने कितना अच्छा काम किया। लाओ जरा रमशा अपने कार्ड दो, जरा मैं चेक करके आती हूँ महाज को कितने पॉइंट्स देने चाहिए कितने नहीं, और दो मिनट में पूरा काम हुआ है कि नहीं। हाँ जी, अच्छा जी, पहले ओके, दो फिंगर्स पे लाल रंग, तीन, एक दो तीन पे हरी, हरे एक में पीली, दो में नीली, एक में गुलाबी, एक में हरी। ओके डन, यहाँ पे पूरे फुल मार्क्स मिले, लेकिन अल्लाह ना करे किसी लड़की के नाखूनों पर, जरा क्लोज कीजिए, अल्लाह ना करे मुझे भी देखना है कि किसी लड़की के नाखूनों पर ऐसी नेल पॉलिश लगे। भाई हंगामी हालात में तो ऐसे ही लगती है। मैं वहाँ आज की बेटी को कहूंगी अमीरा कभी भी अपने डैडी से नेल पॉलिश ना लगे, अमीरा ही नाम है ना ये, प्लीज ये देखे जरा रमशा, अगर तुमने कह दिया तो वहाज खुदा के लिए कभी नेल पॉलिश लगा दो मेरा, कभी नहीं वो कभी होता है ना, कभी आपकी सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे नहीं लगती है। ओके और नेक्स्ट क्या शर्टे मटे थी? हाँ ओके, रस्सी पे लटकाओ, रस्सी पे लाल शर्ट के साथ पीला पजामा कहाँ है? है ही नहीं ना पीला पजामा हमारे पास, कहाँ गया पीला पजामा? है ही नहीं यहाँ पे, देखे मैं जीत गया हूँ, ये पॉइंट मेरा है। अच्छा हाँ। तो पीला पजामा जो है वो इनका पॉइंट हो गया, इनके है ही नहीं यहाँ पे। परफेक्ट। ओके, नीली कमीज के साथ हरे छोटे सॉक्स, ओके डन है। पीली के साथ नीला पजामा क्यों नहीं लगाया? ये सॉक्स है, नहीं नीला पजामा, ये भी पॉइंट ये भी पॉइंट मेरा हो गया। ओके डन, अलमिया मेरे साथ है। लाल सॉक्स गुलाबी फ्रॉक के साथ तुमने यहाँ क्यों लगा दिए? लाल सॉक्स गुलाबी फ्रॉक के साथ कुछ हुआ था? गुलाबी तुमने पहले लगाया सही था, अभी क्या हुआ पता नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, एक पॉइंट मिस हो गया। अच्छा फिर ये इसने सॉक्स समझ लिया, लाल पजामे के साथ सफेद बनियान, ये वैसे मैंने सॉक्स बनियान सही है, ये पॉइंट दे दें कुछ नहीं, चलें दे दिया, नीली फ्रॉक और गुलाबी सॉक्स सही है, सही है, तो एक पॉइंट काट लेती हूँ बस। हाँ, एक काट। बाकी पूरा भाई, नहीं नहीं अभी ये भी तो रह गया सैंडविच, सैंडविच सैंडविच सैंडविच, हाँ ओके। स्लाइस की पहली, ये गड़बड़ हो गई, क्यों पहली लेयर नीचे से शुरू हो रही है? अच्छा पहली लेयर के अंदर दो खीरे दो टमाटर, दूसरी में ऑमलेट एक खीरा, नहीं वो नीचे वाली ले रही है, ये वाली नहीं, नहीं 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 देखिए इसमें गड़बड़ हो गई तुम्हारे, दूसरा पॉइंट कट गया। दूसरी लेयर में अंडा था, खीरा था, एक खीरा और सलाद पत्ता था और दो टमाटर, खीरा मिस हो गया, खीरा मिस हो गया, गाइड ठीक नहीं किया, खीरा मैंने बोला, अरे तीसरी लेयर तो बनाई नहीं, वो हम वहां तक गई नहीं ना, तीसरी लेयर गई नहीं हम, हां हां सेकंड लेयर, ये खा के देखें, तीन पॉइंट्स आपके माइनस, आपके आपके कारोबार में, आपकी जॉब में तीन पॉइंट्स मिस हुए, ठीक है अब आप देखते हैं कि आपके जो है वो कितने अच्छे पॉइंट्स होते हैं, रमशा को आप कैसे गाइड करते हैं। रमशा आर यू ओके? एक मिनट, आप रेडी हैं रमशा जी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ जी, दो मिनट का टाइम। गुड़िया के बाल, हाँ पहली गुड़िया के सर पे एक लाल एक पीली एक सफेद पोनी बांधो। ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं क्या इधर आओ कैसे शूट करोगे? लाल पीली पहली गुड़िया के सर पर एक लाल एक पीली एक सफेद पोनी बांधो। सफेद हाँ डन। दूसरी के सर पर एक हरी हरी एक दूसरे के सर पर एक हरी दो नीली और एक गुलाबी पोनी बांधो। हरी दो नीली दो नीली यस दो नीली। चलो तीसरी पे आज हम देख नहीं होनी चाहिए, हम एक रिकॉर्ड कायम करेंगे रमशा, दो नीली और एक दुबई तक नीली पे हो, मैं गुलाबी पे पहुंच गया हूँ, दो नीली और एक गुलाबी पोनी बांधो। तीसरी के सर पर एक नारंगी, व्हाट अ वर्ड, नारंगी एक सफेद और एक हरी बांधो। नारंगी का मतलब ऑरेंज होता है, ऑरेंज हाँ ऑरेंज ठीक है। अच्छा हाँ तीसरी के सर पे एक नारंगी एक सफेद और एक हरी बांधो, ठीक है सफेद और हरी जी ठीक है भाई। ओके डन, नेक्स्ट मोजे के अंदर मोजा, मोजे के अंदर कौन सा मोजा? ये मोजे पड़े ना था। पीला हाँ। सॉक्स पीले सॉक्स में हाँ। सुरमई का मोजा डालें, सुरमई रेड है हाँ। मरून सुरमई ग्रे को कहते हैं, ग्रे हाँ इंग्लिश में है ना, सही कह रही हूँ ना? अच्छा फिर यस मैं इंग्लिश में बता दिया ना, आगे बढ़ो। हरे मोजे में मेहरून रंग डालें, हरा कहाँ है, हरे में मेहरून रंग डालें, अच्छा हरे में नेक्स्ट नीले में गुलाबी रंग का मोजा डालें,
गुलाबी को गुलाबी कह रहे, गुलाबी 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 रंग का मोजा डालें, पीले में नीला मोजा डालें, पीले में नीला, नीला तो ये रहा, हाँ हल्के गुलाबी में तेज गुलाबी रंग का एक मोजा डालें, हल्के गुलाब, अच्छा ओके हाँ हो गया, टाइम 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 90 seconds left, tie, भाई. Tie, 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 tie. हाँ. चलो भाई. Next, cut out में एक लाल और एक हरी टाई बांधो. एक लाल और एक हरी टाई बांधो. जल्दी करो. टाई नहीं आती बांधना. कोई बात नहीं. जैसे भी गिरा लगा दे बहन. अच्छा हाँ. हरी और पीली और एक और लाल. हरी, पीली और एक और लाल. काली नीली पीली टाई. 30 सेकंड्स लेफ्ट. रमशा हरी अप, हो जाएगा बहुत आराम से, मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ. काली नीली और पीली टाई. काली पीली और नीली. हाँ आगे आ जाओ. गुलाबी पीली और काली टाई. कल लिखा है काली. एक मिनट. काली पीली. 10 सेकंड्स. गुलाबी पीली और काली टाई. 10 आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. नीली हरी लाल गुलाबी टाई. सिक्स. नीली हरी लाल और गुलाबी. फोर. थ्री. टू. वन. स्टॉप 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 स्टॉप. जो तुमने बंड मारे मैंने देख लिए. लाओ भाई. इतना अच्छा बताया मैंने, हो नहीं सकता रमशा. चेकिंग भाई, बंदा कंफ्यूज हो जाता है. एक क्यों दे रहे हैं सारे नए कार्ड्स. हाँ 2 मिनट के अंदर 3 एक्टिविटीज. आपके 3 मार्क्स कटे. देखते हैं रमशा ने कितने अर्न किए मार्क्स. ओके रमशा, मैंने इतना अच्छा बताया, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी. ओके ओके ओके. गुड़िया गुड़िया चेक करते हैं, पहले गुड़िया उठा लें. सही है, मुझे शूट कर पा रहे हैं ना आप. हाँ ओके. कहाँ गई ये रही गुड़िया. ओके पहली गुड़िया के सर पे एक लाल पोनी. कौन सी, ये वाली है? ये फर्स्ट. ये वाली? नहीं नहीं वाली वाली. लाल पोनी वाली कौन सी है? लाल पीली सफेद. ओके लाल पीली सफेद. ओके टिक हो गया मार्क. हाँ दूसरी एक हरी है. हरी कहाँ है? हरी दो नीली. अच्छा एक हरी है यहाँ पे. ठीक है नहीं नहीं सही है. एक हरी दो नीली एक और एक गुलाबी. ओके ये भी सही हो गया. हाँ ऑरेंज सफेद और हरी. ये बिल्कुल A to Z, बिल्कुल सही है. सही अच्छा है आप दूसरी क्या थी? सॉक्स. ठीक है पीले में सुरमई यानी के ये ग्रे. ठीक है ये सही है राइट. हरे 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 में मैरून. ये भी सही है. बात सुने हरा रंग इसको कहते हैं. ये तो ये इसको कुछ मुझे ब्राउन लग रहा था. ये हरा है ना तो ये पॉइंट गलत हो गया. मैं कलर ब्लाइंड हो सकता. हरे में मरून था. एक पॉइंट गलत. ओके नीले में नीले में नीले में नीले में गुलाबी. ओके सही है. पीले में नीला वो भी सही है. हल्के गुलाबी में तेज गुलाबी भी ठीक है. हाँ ओके सॉरी सॉरी जल्दी मुझे क्यों. तो एक पॉइंट यहाँ कटा. ठीक है अब हम तीसरी जॉब देख रहे हैं. टाई टाई में भी गड़बड़ है. 3 मार्क्स यहाँ पे गड़बड़ है. यहाँ पे 1 मार्क हुआ अभी तक. ओके पहली एक लाल हरी. ठीक है फिर हरी और पीली और लाल. ये भी सही है हरी पीली और लाल. हाँ काली नीली लेकिन ये तो काली और गुलाबी मैं है. आगे पहुंच रही हूँ. काली नीली पीली था. हाँ. एक पॉइंट और कट गया वहाज. हाँ ओहो रमशा गुलाबी पीली और काली कुछ और ही नीली इसने कहीं और ही डाल दिया. यहाँ दूसरा पॉइंट भी कट गया. तीसरा अब लास्ट वो किया नहीं. चौथा पॉइंट भी. रमशा ने 4 पॉइंट्स मिस किए और वहाज ने 3 पॉइंट्स. तो कौन विनर हुआ? नाजरीन और हाजरीन इस सेगमेंट के विनर हुए वहाज. ओ अब ये क्या हम सारा शो ऐसे ही करते रहे? हम ब्रेक पे जा रहे हैं भाई. मैं कैसे इन लोगों का इंटरव्यू करूं? एक इधर एक उधर. तो आज रात 8 बजे देखना नहीं भूलिएगा घिसी पिटी मोहब्बत हमारे ARY डिजिटल पर. आज पहला एपिसोड होगा. अभी एक छोटा सा ब्रेक है. ब्रेक के बाद हम गप्पे मारेंगे रमशा और भास. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे साथ शो पे हैं वहाज अली और रमशा खान और इनका ड्रामा आज रात को 8 बजे आप देखेंगे सिर्फ ARY डिजिटल पर घिसी पिटी मोहब्बत. इस वक्त मैं इन दोनों के हवाले से कुछ सवालात इनसे कर रही हूँ और दोनों के जवाब एक साथ हो सकते हैं.
ठीक है, लेकिन तुम लोगों को खड़े होना पड़ेगा, बैठ नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। आपके पास डार्ट है और आपका जवाब जो है वो डार्ट की नजर में होगा, यानी कि अगर मैं आपसे सवाल करूंगी कोई भी, उसका जवाब अगर वहाज, उसका जवाब ये होगा कि वहाज ऐसा करता है, तो वहाज पे आप निशाना लगाएंगे डार्ट का और आप भी वहाज। जी जी। और अगर आपको लगता है कि रमशा ऐसा करती है तो आप रमशा पे निशाना लगाएंगे डार्ट का। समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, तो पहला सवाल, सेलिब्रिटी जो नखरे ना करे वो सेलिब्रिटी ही नहीं। भी हटा ली सेलिब्रिटी जो नख, ये कौन सोचता है आप दोनों में से, सेलिब्रिटी जो नखरे ना करे वो सेलिब्रिटी ही नहीं। तो इन दोनों का जवाब है कि रमशा ऐसा सोचती है। क्योंकि वो रमशा वैसे क्या, पहले तुम ऐसा सोचती थी या अब ऐसा सोचने लगी? नखरे ऐसा नहीं, मतलब sort of के नखरे नहीं करती। हाँ। तो गलत चीज हो रही है, तो उसमें मैं जरा उसूल, हां उसूल पसंद है रमशा, उसूल पसंद है ना। जल्दी बुला लिया है तो शूट क्यों नहीं शुरू की? नहीं नहीं, खाने बुला लिया तो फिर लेट तक क्यों शूट कर रहे हैं? खाने में तेल ज्यादा क्यों है? नहीं नहीं, बस वही थोड़ी सी होती है, नखरे नहीं, बट डाइट वाला खाना आता है आप दोनों का शूट पे? नहीं, मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मैं तो डाइट कर ही नहीं सकता। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है ये डाइट करना। हम वैसे बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड करना क्या मंगाएं, लेकिन ये भी बहुत फूडी है, बहुत शौकीन है खाने की। ओके, अगला सवाल, मेकअप के बगैर हुस्न है फीका, ऐसा कौन सोचता है? ऐसा हम में से वैसे कोई भी नहीं सोचता। तो अपने अपने पे कर ले, अपने अपने पे कर ले। चल भाई, वहाज सोच रहा है कि वहाज कितनी देर लगाता है वहाज बाल बनाने में, बता दो जरा मुझे। टाइम नहीं लगाता, 10-15 मिनट में रेडी हो जाता है। कोई तो आपके बाल इतने बड़े नहीं है ना, कुछ लड़कों के बालों के पफ नहीं बनते हैं, मेरी तरह पफ बनाते हैं वो। I swear. हाँ, है ना, कुछ कुछ हीरोज होंगे आपके, लाइक फिरोज के मुझे लगता है बाल बनाने में प्रॉब्लम होती होगी। आई थिंक फिरोज के भी 15-20 मिनट लगते थे, उसके लंबे बाल है ना थोड़े, हैंडल होने में थोड़ा सा मुश्किल लगती है, 15-20 मिनट। ओके, अगला सवाल, डायलॉग्स बार बार कौन भूल जाता है? मेमोरी थोड़ी सी जिसकी होता है ना कभी। अच्छा, दोनों, ये दोनों भुलक्कड़ में, हम दोनों नहीं भूलते। वाह, ये तो ये लोग, इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुमने मुझे अच्छा कहना है, मैंने तुम्हें अच्छा कहना है, हमारा ताल्लुक लखनऊ से है। आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। कौन है जो ये कहता है कि लेट आने से सेट पे वैल्यू बढ़ती है? मैं दूर ही हो रही हूँ, मुझे टेंशन है। मेरा निशाना बहुत अच्छा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, ये क्या, रमशा ने अपने आप को मारा लेकिन वो लग गई और गया। इसका जवाब रमशा था। ओके, नहीं रमशा नहीं था, मुझे ये सोचता मेरे बारे में। नहीं, कोई कहीं ना कहीं करना था, मैंने कहा सोचा ये अपना फेस बचा रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे कहा था इस तस्वीर को बचाने की मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा, प्लीज। ये वो वाली तस्वीर है जो मैं आपको बता रहा था, मैं आपको असल अपना जवाब दूं, ये लेट आने से जरा वो टेंशन होती है, दर्द हो रहा है मुझे इधर। मजा आया ना, जैसे वो जो नहीं होता फिल्मों में दिखाते हैं, हाथ तोड़ा, पुतली पे जादू हो रहा है, वुडू वुडू। और ये इतनी सेंसिटिव जगह है कोरोना की वजह से आजकल, और तुमने यही मार दिया। वेल सेड। ओके, कौन है जो डायरेक्टर के आगे पीछे ज्यादा नजर आता है? नहीं वैसे मैं तो नहीं करता, दोनों में से तो नहीं है वैसे, तो अपने भी करता हूं। रमशा पे मार रहे हैं, तुम कराची में रहती हो ना। रमशा कह रही है वहाज कह रहा है रमशा। ओके, किसके पास, सॉरी आई एम सॉरी, ज्यादातर वहाज होता था भट्टी भाई के आगे पीछे सवालात के लिए। हाँ। हमारे सवाल बहुत होते थे। हाँ, इसके बहुत सवाल थे, तो आप प्लीज अपना निशाना वापस लेके अपने पे। अब तो लग गया, सो लग गया। देखो जरा से क्या हाल किया तुम्हारे, तो पूरी नाक, इसके दांतों का जो गैप था वो आज बनाऊंगा मैं दोबारा। वो एंड में था, यहाँ भी नहीं है। ओके, कौन है जिसके पास है बहानों का पेंडोरा बॉक्स? अरे नहीं यार, दो चार मुझे भी बता दो, मुझे छुट्टी करनी है अगर मॉर्निंग शो, क्या क्या बहाने कर सकती हूँ मैं? अभी थोड़ी बताऊंगी मैं आपको, छुपके से बता दो, सब सो रहे सुबह घर की औरतें उठ के देख रही थी, मत उस वक्त सो रहे हैं, फिर वो उठेंगे 11 बजे और फिर वो अपना ऑनलाइन काम शुरू करेंगे। ओके, अगला सवाल, किसको काम से ज्यादा रहती है गर्मी की फिक्र? बहुत गर्मी है, मूड अच्छा है तो फिर जितनी मर्जी गर्मी हो मस्त नहीं है, लेकिन रमशा का अगर मूड खराब है तो इसको
कौन सी चीज है जो तुम्हारा मूड खराब करती है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ मेहनती लड़की हूँ, मैं गर्मी भी बस मुझे होता है, मुझे गर्मी लगती है लेकिन मेरे को तभी मैं फैन रखती हूँ, मैं कर लेती हूँ, मूड खराब इस वजह से। सारे सवालों के जवाब तुम्हारे ऊपर ही आए। अच्छा जी, अगला सवाल। हाँ, किसको काम के दौरान आता है बार बार खाने का ख्याल, क्रेविंग? इसमें रमशा जीत गई सारे सवालों के जवाब। देखो फायदा हुआ, एक गेम आपने जीता है, एक रमशा जीत गई। ओके फाइन। ओके, अब मैं आपकी जगह आ रही हूँ वहाज और आप मेरी जगह। जी जी आए। ठीक है, आप भी वहीं पे खड़े होंगे, दोनों दोनों दोनों, मैं इधर आ रही हूँ। अब आप यहाँ खड़े हो जाए और आप यहाँ खड़े हो जाए, मैं आप दोनों से सवाल करूंगी आप लोगों की अपनी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है? लेकिन आपने उसका जवाब 5 सेकंड के अंदर अंदर देते ही बजर बजा देना है, क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ आराम से, होस्ट गेस्ट को खड़ा किया हुआ, कितनी बदतमीज हूँ मैं, लेकिन हमारा क्या करें, फॉर्मेट ऐसा है। ये यहाँ पे 5 सेकंड का वो लगा हुआ है टाइमर, ठीक है? मैं आपसे सवाल करूंगी, ये टाइमर चल जाएगा, मैं वहाज से सवाल करूंगी और रमशा से भी करूंगी। 5 सेकंड के अंदर अंदर वो 3 चीजें जो मैं आपसे पूछूंगी आपने उसका जवाब देना है झटपट। जी जी। ओके, रेडी हैं आप लोग? बिल्कुल। ओके, पहला सवाल, 3 सेलिब्रिटी जिनके जिन पे आपको क्रश हुआ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है गेम। नहीं नहीं, अभी रुको, पहले जवाब देना है। पहले होने उसके बाद देखो, मैंने ये वहाज से सवाल किया तो मैं तो बजर दबाना ही बजाना नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हाथ बांध के खड़ी। ओके, वहाज ने मुझे 5 सेकंड के अंदर अंदर 3 सेलिब्रिटीज जिसका मैंने पूछा, अब मैं सवाल चेंज करूंगी, उसका जवाब देना है और जवाब दे के बजर बजाना है। तो मैं बजर जब बजेगा मैं चेक करूंगी कि क्या 5 सेकंड हुए हैं कि नहीं, ठीक है? क्योंकि 5 सेकंड से आउट हो गए तो इनका पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है? समझा दी? डन। ओके, अच्छा चलो, मैं पहला सवाल अब रमशा से करूंगा, ठीक है? ओके, अपने घर के लिए हर साल चेंज करने वाली 3 चीजें, बेडशीट्स, ड्रग्स और डेकोरेशन पीसेस। बजाओ। उनके जवाब से पहले आपने शुरू कर देना। ओके, हाँ सुन रहे हैं मेरी टीम? ओके, रेडी गेट सेट गो। 3 सेलिब्रिटीज जिन पर आपको क्रश हुआ। सोच, इतने सालों पे हुआ था, मैं सोचने लग गया। किस पे हुआ वैसे, बता दो, एक ही बता दो, 3 सेलिब्रिटीज जिस पे आपको क्रश हुआ, पुराने जमाने की भी हो सकती है। हाँ, नहीं भी, मुझे मरीना खान साहिबा पे था एक। मुझे क्रश का इतने दिन देर लगती है। हाँ मतलब मैं फिगर आउट कर रहा हूँ क्रश था भी कि नहीं था। ईमान पे था। हाँ, दो। और समीना मैम पे भी था। समीना पीरजादा। हाँ हाँ हाँ, 3। पर माशाल्लाह आपने 15 सेकंड लिए, हमने 5 सेकंड एक ही क्रश पे लिए। इतने ज्यादा क्रश थे मेरे, तुम कंफ्यूज हो गए कि मैं कटोल रहे थे, बताऊं कौन सा। ओके, तुम रेडी हो? ओके, हाँ, 3 चीजें जिसे खाने के लिए डाइट तोड़ दी जाए। 3 चीजें, चॉकलेट, बिरयानी और 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 कोल्ड ड्रिंक्स। यस। नहीं, अभी भी जीरो हो गया। नहीं नहीं, पहले जीरो ही होना है, 5 सेकंड ही हो रहा है, कोई मसला नहीं है, जीरो ही होना है। ये आपको जिताना चाहते हैं? जी, मैं नहीं जिताना चाहती, आपने 15 सेकंड लेने। हाँ। ये सवाल ही ऐसा था। नहीं जी, रमशा का एक पॉइंट हुआ, पिछला पॉइंट मैंने मिस कर दिया, हम हमने देर से चलाया। ओके, हाँ रेडी, आपका आपका सवाल, प्यारे से गोल मटोल बच्चों को देख के 3 चीजें जो आपके मुंह में आती है और आपके मुंह से एकदम बेसाख्तगी से निकलती है। सदके जाऊं पारू मेरा बच्चा। गॉड, एक 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 पॉइंट हो गया। ओके रमशा तुम। ओके, हाँ 3 वर्ड्स जो आप वहाज को डिस्क्राइब कर सके। 3 वर्ड्स, हम्बल, सुपर कूल एंड वेरी फ्रेंडली। ओके, पॉइंट ले गया, ले गए ले गए ले गए। ओके, अब आपकी बारी, 3 वर्ड्स रमशा को डिस्क्राइब करने के लिए। सुपरस्टार, वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड एक्ट्रेस। ये आपने बात सुने, एक एक वर्ड डिस्क्राइब, 3 वर्ड मैंने बोले थे ना। हाँ, तो आपने तो ये 6 वर्ड ले लिए। नहीं, सुपरस्टार, वेरी गुड फ्रेंड। ये इतने सारे किसने आपको देखे, मैंने तो फिर भी 5 सेकंड में कर दिया था। नहीं, लेकिन इतने सारे वर्ड थोड़ी इस्तेमाल करने, 3 वर्ड। नेक्स्ट, पॉइंट काटे, पॉइंट कट गया। ओहो भाई, दो तुम्हारे कितने, 1 पॉइंट, 2 है मेरे, 2 है तुम्हारे, 2 है आपका, 1 है अभी तक। ओके नेक्स्ट,
हाँ रेडी ओके okay. कहीं भी रामशाह कहीं भी लेट पहुंचने की तीन वजह तबीयत खराब आंख नहीं खुली और गाड़ी खराब हो गई गाड़ी खराब गाड़ी खराब हो गई गुड तीन पॉइंट्स दिए हमने रामशाह को किसी पे अच्छा इंप्रेशन डालने के तीन तरीके अच्छे कपड़े अच्छे तरीके से बात करना अच्छी खुशबू लगाना गुड टू कितने पॉइंट्स हो गए रामशाह मैं पॉइंट भूल गई टू टू थ्री एंड थ्री ओके ओके तीन चीजें जो आप झटपट बना सकती हैं माश की दाल पीली दाल बिरयानी ये बिरयानी झटपट बनाएगी मैं ये पॉइंट काटे नहीं अच्छा काटे ये पॉइंट क्यों नहीं बना सकते क्यों बना सकते मैंने कटाई ना बनाई है ऑर्डर कर सकते हैं वीजा ना बनाई है मैंने कैसे बना लॉकडाउन में नहीं झटपट कैसे बनाई झटपट मतलब कि फौरन इंस्टेंट तो सवाल तो यही था भिंडी बोलना चाहिए था तुमने बोला बिरयानी और क्या बोला था पीली दाल माश दाल पीली दाल माश माश की दाल भी झटपट नहीं बनेगी बहन जलानी पड़ेगी पॉइंट काटे मैं आपको पॉइंट कट गया कट गया यस काटे पॉइंट झटपट हुआ अंडा फ्राई झटपट हुई चाय भिंडी भी और भिंडी भी झंडी भी हां ठीक है हां ओके सेट पर लेट पहुंचने के तीन बहाने पेट खराब है नाश्ता नहीं आया और पानी नहीं आ रहा नाश्ता नहीं आया इसके बाद मैं लाहौर से आता हूँ ना यहाँ नाश्ता आता है मेरा गुड वन गुड वन तो टू एंड थ्री सही है टू एंड थ्री ओके नेक्स्ट पैसे फजूल खर्च करने की तीन चीजें शूज मेकअप की शॉपिंग और पॉइंट माइनस पॉइंट माइनस पॉइंट माइनस फजूल खर्ची और क्या फजूल खर्ची सही है मेकअप जूते खाना भी फजूल खर्ची होती है फजूल खर्ची नहीं होती खाना दिन रात जो मंगा रहे हो बाहर हाँ ये तो है तो वो अगर आप उसको अगर आप खासा बिल हो जाते सही है ओके हाँ जी बहाज कौन सी तीन चीजें ऐसी हैं जो बहाज खरीदना चाहता है लेकिन अब तक नहीं खरीदी क्या है ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा मेरे मैं सोच रहा था ये अभी लिया मैंने ये अभी हुआ ना जल्दी दिमाग हाजिर रखना सोचो मॉर्निंग शो होस्ट का दिमाग हाजिर रखना पड़ता है अलर्ट रहना पड़ता है मैंने ले लिया ये भी अच्छा वो चलो आराम से सोच के बता दो मैं पॉइंट वैसे भी आप खो चुके हैं तुम अभी तक तीनों चार हो गए भाई तो मुझे कोई टीम लिख ले मुझे भी बहुत हाजिर दिमाग मैं तीन हूँ तुम तीन हो और तो आप अभी तक टू है माशाल्लाह क्या नहीं, गया थ्री, थ्री, थ्री हूं मैं जी नहीं समंदर के सामने मुझे लगता है एक घर होना चाहिए बहुत अच्छा, वो नहीं खरीदा समंदर के सुनने किनारे जो है ना सामने आपको घर नहीं मिलेगा वो अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे घर नहीं बनाता लाहौर से हमें घर में रहने का शौक है समंदर के किनारे घर नहीं होते अपार्टमेंट्स होते हैं नहीं घर भी होते हैं कहाँ इतनी दूर है सड़क क्रॉस करके नहीं लेकिन सीव्यू अपार्टमेंट्स हैं दूसरी ख्वाहिश शादी दूसरी शादी खरीदी नहीं जा सकती दूसरी ख्वाहिश मैं एक अच्छा बेहतरीन पेट रखना चाहता हूँ लेकिन अच्छा, वो नहीं रखा रख रहा वो नहीं तीसरी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक जहाज हो बस महंगी ख्वाहिश है जहाज हो तो फिर पायलट भी हो तो उसकी मेंटेनेंस भी हो कोई बात नहीं महंगा आदमी है ये बहुत हाँ, हाँ। है ना चलिए जी आप सही है आप रेडी है ओके हाँ लास्ट थ्री सेलिब्रिटी फ्रेंड्स जिनको आपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजे मेरे पास तो है ही नहीं समरा मुस्लिम मेरे पास नहीं है बहाज दो है समरा और मुस्लिम एक ही औरत है आप दो कंसीडर कर लेना आप दो कंसीडर कर लें क्या मतलब तुमने टेक्स्ट मैसेजेस लास्ट तीन कभी भी एक हफ्ते पहले भी जो आखिरी मैसेजेस भेजे हैं तीन लोगों को उसमें कोई भी नहीं है बहाज को भेज दी समरा को भेज दी और कोई भी नहीं किसी को नहीं ना डायरेक्टर ना बहुत कम गो है रजा मुस्फी या फलाना ढमाका मुस्फी से भी ओके मेरी टीम को नहीं भेजे आपकी टीम को भेजे थे कल वो सेलेब्रिटी लिस्ट पे
सेलिब्रिटी लिस्ट में नहीं है. ओके पॉइंट पॉइंट कट गया. अभी भी 3 और 2 ही चल रही है. कैसे मेरे 3 हो गए? नहीं नहीं एक मिनट, अभी मैंने ठीक दिया आपको जवाब. आपने ठीक नहीं दिया, आपने मुझे 20 सेकंड में बताया कि आपने क्या चीजें नहीं खरीदी. 20 सेकंड अब नहीं है सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, तो फिर ये तो पॉइंट ना काटे ना. दोस्त बनाओ अकेले जिंदगी कैसे. इसका मतलब पॉइंट काट. तुम 2 दफा मेरा नाम ले लेती. मैंने तभी तो करती है कि बस वहाज का नाम ले लिया. नाम ले लेती सभा परवेज वहाज. झूठ बोल देती. चलो जी पॉइंट गया 3-2 आपका. जी जी अचानक लाइट जाने पे जल्दी जल्दी कौन से 3 काम करते हैं आप? मोबाइल चेक करता हूँ. हाँ. एसी चेक करता हूँ और टीवी चेक करता हूँ. बजाओ. यार लेट हो गए तो. लेट हो गए. 3 हो गए ना, मेरा भी हो गया पॉइंट. नहीं आप मुझे बताए लाइट जाने पे एसी को चेक. मुझे ये समझ नहीं आया क्योंकि एसी बंद होता है तो कंफर्म होता है ना कि लाइट गई है. मुझे लगता था जल्दी मतलब बाकी सारी लाइट चलती रहती हैं. और अगर उससे भी कंफर्म नहीं होता तो फिर टीवी चेक करता हूँ कि एक दफा टीवी जरूर बंद होता है. ना लाइट जाने पे टीवी खुला रहता है, ना लाइट जाने पे एसी खुला रहता है. लाइट आने पे चेक करने वाली समझ आ रही है. बस लाइट जल्दी भी तो बोलना था जो मुझे समझ आया मैंने बोल दिया. लेकिन पॉइंट मेरा है. पॉइंट दूं कि ना दूं? नहीं यार रमशा जीतने दो मुझे प्लीज. बनता ही नहीं है. बनता ही नहीं है. देखो मैं मेहमान हूँ. कोई मुझे बताए ऑडियंस में से, मुझे कॉल करके बताए क्या आप लाइट जाने के बाद एसी चेक करते हैं? क्या आप लाइट जाने के बाद टीवी चेक करते हैं? और अगर चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? तो जवाब गलत है. नजरों से. अच्छा चलें 3-3. मुझे 3-3 नहीं 3-2. नहीं 3 हो गया था ना पिछले पिछले वाले में. 3 हो गया था ना. हाँ जी नहीं बिल्कुल हो गया. नहीं हुआ था. नहीं हुआ था. हो गया. मुझे मामू बना रहे. मामू नहीं हुआ था. 3-2. ओके रमशा थैंक यू. तुम बड़े चलाक. अच्छा रमशा तुम्हारी बारी है. बीफ से बनने वाली 3 डिशेस के नाम. बीफ से कीमा, समोसे और करेला. करेला कीमा. ये कौन से? करेला कीमा. कोई सी 3 नहीं थी. उन्होंने आपको एक मैं भी नहीं कहा. बीफ से कभी करेले बन सके. करेले कीमा. कीमा पहले भी तुम बोल चुके. खींचने के लिए. ओह माय गॉड रमशा. ओके शुक्र है मैं आज सुबह हंस रही. मेरा दिन अच्छा गुजरेगा. ओके तो आपका भी पॉइंट 3-2 वही स्कोर चल रहा है. ओके आज की बात हमें सवाल लो पहले. आज आखिरी सवाल है. देख लो अगर 3-3 हो गए तो ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है. ओके फोन ना उठाने के 3 बहाने. मैं बाथरूम में था, मैं सोया हुआ था और फोन चार्जिंग पे था. ड्रॉ. आई इतनी जोर के बोल के जज्बात है. ड्रॉ हो गया. अभी तक आप लोग बराबर चल रहे हैं. एक गेम आपने जीता, एक गेम आपने जीता और तीसरा गेम कोई भी नहीं जीता. छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान रमशा और वहाज के साथ. एंजॉय कर रहे हैं मुझे पता है. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ये चटपटे जुमलों वाला ड्रामा आप देख सकेंगे आज रात 8 बजे घिसी पिटी मोहब्बत के नाम से सिर्फ ARY डिजिटल पर, जिसकी प्रोडक्शन हाउस है आई ड्रीम प्रोडक्शन, जिसके डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी और राइटर हैं फसी बारी खान. कैमरामैन कौन है? बड़े प्यारे लग रहे हो तुम लोग. लाइट वाइट अच्छी हुई. नवीद भाई. नवीद भाई. पूरा नाम बता दे. मैं नवीद भाई. हमें क्या पता कौन को नवीद भाई कहते हैं. नवीद भाई कहते हैं. हाँ और अच्छा तुम दोनों अपना ख्याल कैसे रखते हो? जैसे आपने कहा कि मैं खाना तो खाता हूँ, डाइट नहीं करता, लेकिन फिर जिम करते होंगे आप. जिम और वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखता हूँ. लड़कों को भी स्किन का प्रॉब्लम होता है कि भाई स्किन वगैरह अच्छी रहे हमारी, बाल वाल अच्छे होता है. आई थिंक भारी को होना चाहिए. मुझे तो बहुत होता है. मैं तो बहुत पानी वगैरह उतारते हैं जाके सही से प्रॉब्लम क्लेंज करते हैं. इतना मेकअप नहीं होता लड़कों का. नहीं होता इतना. मुंह धो लेते हैं साबुन से बस. मुंह धो नहीं क्लेंजिंग होती है. फेस वॉश तो करते होंगे. क्लेंजर यूज करता हूँ. मुझे नाम नहीं पता उसका जो बीवी ने लाके दे दिया. जो वहाँ ऑनेस्टली मैं सच बता रहा हूँ. नहीं जो बेगम ले आती है. हाँ. पहले वो खुद टेस्ट करती हैं. अच्छा. रिकमेंड करती हैं. हाँ. कि आप ये यूज करके देखें जरा. और बाल वाल वैसे तो मैं सब चीजें चोर चुरा भी लेता हूँ उनकी. अच्छा ओ चेक करता हूँ खुद. एक्सपीरियंस करता हूँ खुद कौन सी मुझ पे. लड़कों को ही होता है ना मेरे बाल ना गिरे हैं वो तो फिर उनको बालों का. अच्छा बाल गिरने का नहीं मुझे होता, लेकिन मुझे क्योंकि है कि चलो गिर गए तो लगवा लेंगे. अच्छा नहीं टेंशन नहीं लिया मुझे. हाँ. होता है स्किन बेहतर रहे. स्किन क्योंकि वो अगर एक दफा खराब होना शुरू हो जाए तो फिर मुझे लगता है उसके लिए क्या करते हैं. बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ. बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ. ओके और
तुम क्या करती हो? माशा तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो कर रही होती है, यहाँ भी कर रही है, बगैर मेकअप के भी कर रही होती है, तुम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती? पानी, पानी मैं बहुत पानी पीती हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट्स तो यूज़ करती होगी ना, कोई क्लेंजिंग के लिए या क्या? मैं क्लेंजिंग, हाँ मैं ये है कि सुबह उठ के ऑब्वियसली मैं सोने से पहले भी मुंह धोती हूँ। अच्छा, क्योंकि वो पूरे दिन का फेस वॉश कौन सा इस्तेमाल करती हूँ? बायोडर्मा। बायोडर्मा, अच्छा। और उसके बाद फिर कोई मतलब कोई क्लेंज, कोई क्रीम, मॉइस्चराइजर? मैं मॉइस्चराइजर मेटाफिल के नाम से, सीटाफिल। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीटाफिल, हाँ जी, अच्छा। या मेटाफिल, उसका पाकिस्तानी वर्जन, लेकिन वो सीटाफिल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो मैं लगा के सो जाती हूँ। हाँ। और फिर सुबह उठती हूँ तो मैं ग्ले हुई। क्या भाई, एक तो ये तो जल्दी वाला मेकअप था और ये इश्किया में तुमने यही मेकअप रखा जिसमें तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, है ना? अच्छा, मुझे बारी बारी सब चीजों के नाम बताओ क्योंकि जल्दी जल्दी नजर नहीं आता। तो सबसे पहले तुमने क्या लगाई थी? सबसे पहले मैंने सनब्लॉक और प्राइमर को मिक्स करके लगाया। मिक्स कर लिया उसको, क्योंकि सनब्लॉक में कोई बेस है छोटी सी, थोड़ी सी कि नहीं? नहीं नहीं, बिकॉज हम शूट पे होते हैं, वो HMI लाइट्स की वजह से स्किन टैन हो जाती है, बर्न हो जाती है, कभी कभार आउटडोर कर रहे होते हो, तो मैं सनब्लॉक और प्राइमर मिक्स करती हूँ। ठीक है, फिर हमारा फेवरेट फाउंडेशन हेलो फ्लॉलेस बेनिफिट का, आई लव दैट। अभी तो खैर क्योंकि उसको एक साल हो गया। कौन सा वाला तुम नंबर यूज करती हो उसका? पेटल, हनी या एक और फेयर होता है थोड़ा, शैम्पेन? नहीं, फेयर वाला मैं यूज करती हूं। हां, हनी मैंने पहले लिया था बट वो बहुत डार्क था। अच्छा, हाँ, तो फिर ये और मैक का मैं कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ अपने अंडर आई पे। बस अंडर आई पे कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, पूरे मुंह पे नहीं लगाती। पूरे मुंह पे नहीं लगाती। ब्लशन वगैरह क्या करती हो उसमें? ब्लशन ये मिनीसो का एक आता है, वहाज बिल्कुल बोर बैठा हुआ इस वक्त। मिनीसो का एक आता है, ये स्टिक होती है, ये टिंट होता है। अच्छा, टिंट होता है ये लिप्स एंड, तो तुम लिप्स पे और गालों पे दोनों पे लगा? जी, ये मैं मिनीसो का लगाती हूँ। और एक पाउडर ब्रश होता है, क्योंकि इश्के में मैंने ये वाला टिंट इतना यूज नहीं किया था। आईब्रोज बनाती हो कि नहीं? आईब्रोज में सिर्फ ब्रश मारती हूँ, शेड नहीं लगाती। शेड ऑलरेडी घनी आईब्रोज है तो जरूरत नहीं पड़ती। सैलून जाना पड़ता है बराबर। और कॉन्टोर में क्या करती हो? कॉन्टोर नहीं करती, कॉन्टोर अब गांवों में भी नहीं करती। कितनी अच्छी लड़की हो, हट जाता है। तो तुमने कोई कोई चीज लाइक कोई ब्राउन जो स्टिक है या कुछ? कभी कभी कुछ होता है, कभी कभार जब फेस स्वेल हुआ होता है तो उठते हो तो उस पे। तुमने अभी कॉन्टोर नहीं किया हुआ? मैंने हल्का सा किया हुआ बहुत। और सुबह के टाइम कौन सा कलर करती हूँ? लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन मैं स्टिक करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ ना कि ये इसका छोटा सा मुंह है लेकिन थोड़ा सा गोल गोल है। तो जैसे मैं जो थी ना, मैं गलती करती थी, मैं ना दाढ़ी बना लेती थी अपनी कॉन्टोर करके और वो नजर आता है। नजर आता ये समझदार लड़की, इसको पता है कि भाई गोल है तो गोल है, क्या करे उसको। नहीं, जब स्वेलिंग होती है तो मैं हल्की सी स्टिक लगाती हूँ, वो जो क्रीम स्टिक होती है। अच्छा, वो लगा के मैं यूं करके ब्लेंड कर देती हूँ। नेचुरल लुक देती हूँ, ज्यादा नेचुरल लुक देती हूँ। वो पाउडर, एक तो ब्रशेज और पाउडर से मुझे दाने हो जाते हैं, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ। अच्छा, अब तुम लोगों के पास 1.5 मिनट का टाइम है, मैं एंड क्रेडिट्स पे इस पे ही चला दूंगी। रमशा ने जो है ना वहाज का पजल चिपकाना है जल्दी से, वो तुम लोगों के पास लगा और आपने रमशा का। एंड योर टाइम, भाग के जाओ जल्दी से, टाइम टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब तक ये पजल लगा रहे हैं मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आज आएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये भी बताती रहो कि आज रात को नाजरीन अपना टाइम इन्वेस्ट क्यों करें तुम लोगों की घिसी पिटी मोहब्बत पे? क्यों ना करें? वजह तो बताओ ना। कहीं ना कहीं कुछ तो इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न अच्छा होगा। क्या मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा, मतलब लाइक क्या, क्यों डिफरेंट है ड्रामा दूसरे ड्रामों से, क्यों मुख्तलिफ है? दूसरे ड्रामों से ड्रामा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें हम दोनों हैं। क्या जवाब है, इसमें रमशा है। और ड्रामा, ड्रामे को तुम किस कैटेगरी में डालोगे? रोमांटिक, एडवेंचरस, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री? आई थिंक डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी, अच्छा। मेरे लिए तो सिर्फ रोमांस है। अच्छा, रोमांस है बिल्कुल, या मेलो ड्रामा, बहुत सारी कैटेगरीज होती है ना, वो छुपाई दे तुमने जिसको देख देख के। 10, 9, रमशा जीतना नहीं, प्लीज। 8, तो मेरे गिर रहे। 7, 6, 5, 1 सेकंड, 4, 3, 2.5, 1, जीत गई हमारी रमशा आज की, आज के इस शो की। बाहर की तस्वीर दिखाओ जरा, साइड बनाई है, लेकिन इधर आओ जरा,
और देखे नाजरीन नाजरीन आज के शो में तो रमशा जीत गई है, ठीक है, दो गेम्स ये जीत चुकी है, लेकिन ड्रामे में एक्टिंग में कौन जीतता है ये आप मुझे SMS करके बताइएगा ताकि फिर मैं इनको जरा मैसेज करके बता सकूं। आपको पता आपके शो में पहली दो जीती हूं मैं। अच्छा कभी नहीं जीती क्योंकि मेरे साथ आई हो ना, मैंने जिताया है जान के जेंटलमैन की तरह। बिल्कुल क्या बात है। तो जनाब हम जा रहे हैं, खुदाफिस कर रहे हैं अभी आपको, लेकिन रात को 8 बजे फिर से ये दोनों वापस आएंगे आपके स्क्रीन पर, आपके चैनल, हमारे ARY डिजिटल के चैनल पर, किसी पिटी मोहब्बत लेकर। कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास 2 सेकंड है। 2 सेकंड क्या मैंने बोल दिया? प्लीज जरूर देखिएगा और बस देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और जरूर फीडबैक दीजिएगा। हमने बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है इस प्रोजेक्ट में, हम बहुत डरे हुए हैं। खून पसीना नजर भी आएगा आपको। हाँ, नजर भी आएगा। और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा आप भी। नजर प्लीज। मैं बिल्कुल, मैं भी देखने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखना मत भूलिएगा घिसी पिटी मोहब्बत रात 8 बजे। मॉर्निंग।